नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग. माय नेम इज प्रोफेसर स्वप्निल और आज हम कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बहुत आपके लाइफ में काम आएगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है हाउ टू मिनिमाइज द डिफिकल्ट सिचुएशन. हमारे सबके लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है ओके. और हमारे लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशन आती है अगर हम उसको कम नहीं करेंगे तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी रहेगी या कम होगी. बराबर है ना. अगर आपको परफॉर्मेंस करना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके लाइफ की जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है वो आपको कम करनी पड़ेगी. ओके, तो आज हम ये जानेंगे और मैं आपको वादा करता हूं आपसे मैम कि अगर आप शांति से समझें और अगर आप ध्यान दें कि क्या डिस्कशन हो रहा है, आप नोट्स लिखें, ओके? तो सुनना है, देखना है, इन्वॉल्व होना है, अंडरस्टैंड होना है, बट एट द सेम टाइम बढ़िया तरीके से आप कितना अच्छे से नोट्स को लिखते हो, क्योंकि बढ़िया नोट्स लिखना ये बहुत बड़ी एक आर्ट है. तो पहली चीज समझिए कि डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में कैसे आती हो, क्या होता है बेसिकली, और उसको कैसे मिनिमाइज करें. तो ये पूरा जो डिस्कशन है, तो पहला आप टाइटल लिखिए. टाइटल है मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन. ये टाइटल है, ओके. मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन. मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन. अभी ये चीज समझना जरूरी है कि पहले डिफिकल्ट सिचुएशन का ही मतलब क्या, कोई बता सकता है क्या डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब क्या होता है? कौन सा सिचुएशन को आप बोल सकते हो कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट है? कौन सा सिचुएशन को? डिफिकल्ट सिचुएशन और नॉन डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? मेक इट अ इंटरएक्टिव सेशन तो आपको भी पता चले, आप भी सीखे. क्या है, कौन से सिचुएशन को हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन बोल सकते हैं लाइफ में? काम नहीं होता तो डिप्रेस हो जाते हैं. काम नहीं होता तो डिप्रेस हो जाते हैं. हाँ हाँ, तो डिफिकल्ट सिचुएशन आती है. वेरी गुड. और कोई? हाँ, तो हम सोच रहे एक है कि भाई ये काम होना चाहिए और वो काम होता नहीं है और उल्टा नुकसान होता है कभी कभी, तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है. वेरी गुड, ये हो सकता है. और क्या है बताइए, किस सिचुएशन को हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन बोलेंगे? हाँ हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन रहता है, हाँ, उसको सॉल्व पढ़ने के बाद भी याद नहीं आता, हाँ, कुछ उल्टा सुलटा क्वेश्चन देता, हाँ हाँ, वो तो बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, डिफिकल्ट है मतलब जो चीज समझ में नहीं आती लाइफ में. हाँ, एग्जाम से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि जिंदगी के एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो लाइफ में हम लोग थोड़ा, जो ये भाई ने बताया उनको थोड़ा आगे लेके जाते हैं कि लाइफ में जो सिचुएशन समझ में नहीं आते वो डिफिकल्ट हो सकती है. और कुछ? वेरी गुड. हाँ, और कुछ बोले तो अभी समझो जो भी चीज नया चीज करना है. हाँ, अभी समझो एग्जांपल गाड़ी. हाँ हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, नहीं पता जल्दी चलाने के बाद लगता है कि ये बहुत आसान है. हाँ, सिंपल. हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक नई चीज सामने आ जाती है जो कभी पहले की नहीं है तो वो डिफिकल्ट लग सकती है, और जब वो करते हैं तो उतने डिफिकल्ट नहीं लगती. हाँ, सही बात है, ये भी हो सकता है. तो कोई भी चीज नई हो वो डिफिकल्ट लग सकती है. ओके, तो अब जस्ट लिखिए डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या. पहले डिफिकल्ट का मतलब क्या समझिए, डिफिकल्ट ये वर्ड का मीनिंग क्या है. हाँ, कि बहुत सारे टाइम हम यूज करते हैं लेकिन उसका मतलब ही मालूम नहीं होता. तो आप लिखिए डिफिकल्ट का मतलब है, डिफिकल्ट का मतलब है Hard to do. और किसको डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं या किसको डिफिकल्ट और बोल सकते हैं? Which requires lot of planning. Second point क्या है? Lot of planning. Which requires lot of planning. बहुत सारा प्लानिंग की जरूरत है. आप तुरंत नहीं कर सकते वो चीज को, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है.
वो सिचुएशन को फेस करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत है। आप समझ रहे हैं, पहले हम लोग जान रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या है। डिफिकल्ट, कोई सिचुएशन डिफिकल्ट होती मतलब क्या होता, तो पहला मैंने आपको बताया हार्ड टू डू, वो करने को मुश्किल हो जाती है। दूसरा, इट रिक्वायर्स बहुत सारा प्लानिंग। थर्ड चीज लिखिए, इट रिक्वायर्स स्पेशल एफर्ट्स। इट रिक्वायर्स स्पेशल एफर्ट्स, नॉर्मल एफर्ट लेके कोई उसमें काम नहीं हो सकता, स्पेशल एफर्ट लगते हैं, कोई अलग करना पड़ता है, कोई चीज स्पेशल तरीके से करना पड़ता है। yes. बराबर है? yeah. हाँ, आगे का पॉइंट लिखिए, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। डिफिकल्ट सिचुएशन किसको बोलेंगे, जिसमें फुल ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं। और किसको डिफिकल्ट सिचुएशन बोल सकते हैं? फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। और डिफिकल्ट सिचुएशन किसको बोल सकते हैं? लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं उसमें। ओके okay? और किसको डिफिकल्ट सिचुएशन बोल सकते हैं? सिचुएशन डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट सिचुएशन हम लोग क्यों बोलते हैं एक्सीडेंट ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तब वो व्हीकल कंट्रोल के बाहर होता है। बराबर है? इसके लिए एक्सीडेंट कंट्रोल, वरना अगर व्हीकल अगर कंट्रोल में रहे तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। तो डिफिकल्ट सिचुएशन का और एक मतलब क्या है? हार्ड टू कंट्रोल, वो सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक मतलब है उसका, लिखिए, हार्ड टू कन्विंस। आपके बिजनेस में ये बहुत होता है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्यों? वेरी हार्ड टू कन्विंस। हम पूरे तरीके यूज करते हैं कन्विंस करने के। yes. पूरे तरीके से हम लोग उसको बताते हैं, जितना जितना हो सके हम पूरे डिटेल्स उसको देते हैं, फिर भी मानता नहीं है कोई। तो हार्ड टू कन्विंस, जिस सिचुएशन में आपको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, वो भी सिचुएशन क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है। और आगे लिखिए, हार्ड टू रिमेन हैप्पी। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे आप हैप्पी नहीं रह सकते, ऐसा सिचुएशन क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। हार्ड टू रिमेन हैप्पी। ओके, कोई रिवाइज करेगा फटाफट कि किसको हम डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन किसको बोलते हैं? नॉर्मल सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन में फर्क क्या है? तो ये सब चीजें जिसमें होती है वो सिचुएशन कौन सी हो गई? डिफिकल्ट। कि मिनिमाइजिंग, मिनिमाइज करना है किसको? डिफिकल्ट सिचुएशन को। अरे लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन ही मालूम नहीं है तो मिनिमाइज क्या करेंगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर जो चीज को मिनिमाइज करना सीखना है, वो चीज पहले है क्या, वो तो पता करना जरूरी है। और इसके लिए हमने पहला क्या एनालाइज किया कि किस सिचुएशन को हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन कहेंगे। तो कौन से सिचुएशन को डिफिकल्ट सिचुएशन कहेंगे? हार्ड टू डू, करने में बहुत कठिन है, मुश्किल है, तकलीफ वाली चीज है, उसको डिफिकल्ट सिचुएशन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या प्लान करते हैं? मैं सुबह उठ के ब्रश करूंगा, उसके लिए प्लान करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है वो रूटीन चीज है। सॉक्स पहनना, उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं आप लोग? हाँ, तो कोई कोई सिचुएशन है वहां पे आप प्लानिंग करने का जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक वो करते हो, आपको मालूम है उठने के बाद ऐसे ऐसे करना है। बराबर है? लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन हम किसको बोल सकते हैं? ऐसा सिचुएशन जहां पे स्पेशल प्लानिंग की जरूरत है, स्पेशल आपको सोचना पड़ता है इसमें कैसे हम लोग क्या काम करें। ओके, थर्ड पॉइंट, स्पेशल एफर्ट्स। नॉर्मल एफर्ट्स से कुछ काम नहीं चलता वहां पे, नॉर्मल एफर्ट्स से काम नहीं चलता, आपको कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ते, नॉर्मल एफर्ट्स से काम नहीं चलता। लेट अस अंडरस्टैंड, आप किसी क्लाइंट के पास गए। ओके, नॉर्मल एफर्ट क्या है? क्लाइंट को कैसा पता चलेगा आप आए? आप क्या करोगे? डोर की बेल मारोगे। आपने चार बार बेल मारा फिर भी क्लाइंट ने दरवाजा नहीं खोला, अभी ये हो गई डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि अगर आपको अगर अभी समझना है क्या हुआ है, तो कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे।
फिर शायद वो फोन हो, हाँ शायद बाजू वाले को पूछना हो कि भाई ये कहां पे गया, शायद राउंड अगर बंगलो है तो राउंड मार के पीछे से कि भाई सचमुच कोई है या नहीं है, हाँ, तो ये सब आपने रूटीन प्लानिंग में नहीं की थी, क्योंकि 100 में से 90 टाइम आप जब बेल मारते हो तो कोई ना कोई खोलता है, हाँ खोल के बताता नहीं है लेकिन दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन दरवाजा खुले ही नहीं तो फिर स्पेशल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो जब स्पेशल एफर्ट डालने पड़ते हैं तो सिचुएशन हो गई डिफिकल्ट। नेक्स्ट, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम्स होता तो हम समझ सकते हैं, हम उसको हंस के टाल भी देते हैं, चलो। बट डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम नहीं, लगातार लगातार कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, एक के बाद एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लस्टर पूरा चेन हो जाता है, क्लस्टर आ जाता है पूरा। एक आप एक संभालने को जाओ दूसरी कोई चीज चालू हो जाती है, दूसरी चीज संभालने को जाओ तीसरी, तीसरी संभालने को जाओ चौथी, सो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट, लॉट ऑफ ट्रबल्स। बहुत सारे ट्रबल्स आपके फंक्शनैलिटी में आते हैं। आप नॉर्मल तरीके से जैसे नॉर्मली बिहेव करते हैं, नॉर्मली फंक्शन करते हैं, वैसे फंक्शन नहीं कर सकते, लॉट ऑफ ट्रबल्स लॉट ऑफ इश्यूज आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसका मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे एक्सीडेंट होता है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, वो सिचुएशन अपने कंट्रोल से बाहर चली जाती है, उस सिचुएशन के ऊपर का अपना कंट्रोल निकल जाता है, क्योंकि अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो डिफिकल्ट सिचुएशन ही नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, सिंपल एग्जांपल लो, आप रिमोट कंट्रोल लेके टीवी चालू कर रहे हो, टीवी का कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आपने बटन दबाया, टीवी चालू हो गया, क्या इसको डिफिकल्ट सिचुएशन बोलेंगे? नहीं। लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है, आप बटन दबा रहे हो और टीवी चालू ही नहीं हो रहा है, तो ये हो गई, क्योंकि उस सिचुएशन के ऊपर का आपका कंट्रोल निकल गया। तो कोई भी सिचुएशन के ऊपर जब आपका कंट्रोल निकल जाता है तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट था? हार्ड टू कन्विंस। हार्ड टू कन्विंस, मेरे हिसाब से ये मेरे को ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं, बिकॉज एवरी डे यू आर फेसिंग दिस। आप बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से आपके क्लाइंट्स को सब समझाते हैं कि ये क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, इसका क्यों आपको जरूरत है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या, लेकिन वो क्या बोलता है? नो, या क्वेश्चन मार्क, या नो। तो आप दो दो अढ़ाई अढ़ाई घंटा बात करने के बाद भी क्लाइंट जब बोलता है नो, फिर आप सिचुएशन में आगे डिफिकल्ट, क्योंकि दो घंटा तो मेरा गया, पूरा इतना मैं दूर आया, गाड़ी का मेरा पेट्रोल गया, बाकी के एक्सपेंसेस हुए, यहां पे बैठा उतना करके भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है अभी भी। मैंने दुनिया के सब तरीके उसके ऊपर आजमा के देखे उसके भलाई के लिए, फिर भी उसको नहीं समझ रहा। हार्ड टू कन्विंस है ना। कोई कोई लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मजबूर लोग और दूसरे होते हैं मजबूत लोग। मजबूत तो हाँ, तो है मजबूत रहते एकदम, अब दो घंटा तीन घंटा बात कर रहे हो फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं है, तो हार्ड टू कन्विंस वो सिचुएशन हो गई डिफिकल्ट। और क्या है? यस, दिस डिफिकल्ट सिचुएशन में नॉर्मल आदमी हैप्पी रह सकता? हाँ, नहीं रह सकता। तो डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब ऐसे सिचुएशन, वो सिचुएशन में आदमी हैप्पी नहीं रह पाता, सुखी नहीं रह पाता। तो ये सब लक्षण है। तो पहले डिफिकल्ट मिनिमम, हमारा सब्जेक्ट है मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन को मिनिमाइज करने के पहले डिफिकल्ट सिचुएशन को पहचानना जरूरी है, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन को पहचानने के लक्षण है। अगर ये चीजें अगर उसमें है तो सिचुएशन क्या हो गई? डिफिकल्ट। अभी फिर देखना पड़ेगा कि अगर ऐसे सिचुएशन आती है, जो बहुत आती है,
आजकल के कंपटीशन के जमाने में तो पूरी होलसेल में आती है ये सब चीजें, बराबर है। तो ये सिचुएशन को कैसे मिनिमाइज करें, अभी ये इंपॉर्टेंट है। पता चला सब्जेक्ट क्या है और क्यों डिस्कस करना जरूरी, डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्योंकि ये सब चीजें होलसेल में रोज आ रही है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, हर दिन 50 लोग नए आ रहे हैं मार्केट में और चीजें और मुश्किल हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको कैसे कम करें। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हेलो, क्या इंपॉर्टेंट है? ओके, अभी ये जो डिस्कशन है ना, मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये एक बड़े डिस्कशन का एक पार्ट है। एक्चुअली एक डिस्कशन बहुत बड़ा है और ये डिस्कशन का एक पार्ट है मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। और इस मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन के ऊपर मैं 2 दिन का सेमिनार लेता हूं। तो यहां पे आज लेक्चर में मैं आपको इतनी चीजें सफिशिएंटली दूंगा ताकि आपका भी लाइफ प्रोडक्टिव हो जाए। लेकिन अगर आपको आगे जानना है तो डेफिनेटली और सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन इतना तो जरूर मिलेगा आज के दिन आपको कि जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो आप बोलेंगे हाँ कुछ पाया मैंने, कुछ अचीव किया, कुछ आगे बढ़ने में हेल्प हुई मेरे को। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन को मिनिमाइज करना, ये डिस्कशन, ये एक बहुत बड़े डिस्कशन का पार्ट है। तो हम लोग जानेंगे इसका लोकेशन क्या है, कहां पे ये डिस्कशन लोकेट है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे हर एक का एड्रेस होता है ना, ये इंसान कहां रहता है, तो यहां यहां पे ये लोकेटेड है। तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली लोकेटेड कहां पे है वो हम लोग जानेंगे अभी। ओके, तो मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन ये एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का एक छोटा सा अंश है और वो डिस्कशन है डिफिकल्ट मोमेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट मोमेंट्स। आप क्या लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लास, ये कौन से जगह पे डिस्कशन है, आप समझ रहे हैं आगे? ओके, अगर किसी को, मुझे कोई, लेट अस अंडरस्टैंड, कोई जर्मनी वाला आदमी है और मुझे उसको बताना है मुंबई कहां पे, मुंबई कहां पे, तो मैं कैसे बताऊंगा कि हे भाई जर्मन के फेलो, व्हाटएवर इट इज, इंग्लिश में बताऊंगा कि मिस्टर सो एंड सो, इन एशिया देयर इज अ कंट्री कॉल्ड भारत, इन दैट भारत, महाराष्ट्र स्टेट कैपिटल इज मुंबई। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल लोकेट, मुंबई को लोकेट करना। तो ये जो है मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको भी लोकेट करना पड़ेगा। पहले हमने जाना कि वो है क्या डिफिकल्ट सिचुएशन, अभी उसको लोकेट करते हैं, एक बराबर जगह पे रख देते हैं। ओके, तो ये मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये एक बहुत बड़े डिस्कशन का एक पार्ट है। वो डिस्कशन कौन सा है? डिफिकल्ट मोमेंट्स, डिफिकल्ट मोमेंट्स। अभी ये डिफिकल्ट मोमेंट्स जो है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है डिफिकल्ट मोमेंट्स। पहला है डिफिकल्ट पीपल, तो समझाता हूं मैं, डिफिकल्ट पीपल, और दूसरा है पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन और सिचुएशंस। ये पहला समझो क्या है, डिफिकल्ट पीपल एंड पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फर्क है, फर्क है दोनों में। कोई बता सकता है क्या फर्क है इसमें? दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। पीपल and people in the difficult situation, aadmi ha difficult people ha aadmi difficult mein hai, difficult mein ha ye ha aadmi difficult mein hai ye ha difficult people ha veg veg manush aani tache veg veg topic hai means difficult people means who ki usko hum samajh nahi sakte people in difficult situation jo difficulty mein hai ha। देखिए डिफिकल्ट पीपल मतलब ऐसे आइटम, ऐसे आपको आइटम मिलेंगे वो कभी सुखी नहीं बना सकते उसको,
वो कभी सुखी नहीं होगा। उसको सोना ला के दो तो बोलेगा यार अच्छा है पर इसमें सुगंध नहीं है। थोड़ी बहुत ये जो आइटम लोग है ना, ये देखना, ये पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस, 25 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस, 10 साल से ज्यादा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस, ओके, एंड बहुत सारे लेक्चर्स का एक्सपीरियंस, सेमिनार का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि 0.001% मतलब हर 1000 में एक तो ऐसा आइटम मिलेगा आपको, और भगवान की दया से आपके आसपास तो जरूर मिलेगा, बिल्डिंग में नहीं तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ये मिलेगा जरूर, 1000 में एक आइटम मिलेगा आपको। ये लोगों का कैसा ना, ये लोग ही डिफिकल्ट है, मतलब ये किसी से हैप्पी नहीं है, किसी से हैप्पी नहीं। उनको सोना लाके दो बोलेंगे इसमें सुगंध नहीं, उनको चंदन लाके दो बोलेंगे इसमें फल नहीं लगता, ओके हाँ, मतलब वो लोग मतलब ये सुखी नहीं है जी, इसके लिए रहे क्योंकि मर नहीं रहे, ये किसी से हैप्पी नहीं है। इनके घर में सबसे बढ़िया लोग रहेंगे फिर भी ये नाखुश है, मतलब ये नाखुश है, दुनिया से नाखुश है लोग, किसी से, इनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, बारिश ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम, बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम, एटमॉस्फेयर बराबर नहीं तो प्रॉब्लम, पेट्रोल बराबर नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम, पेट्रोल बराबर मिल रहा है तो प्रॉब्लम, टीवी में अच्छा सीरियल आया तो प्रॉब्लम, टीवी में सीरियल नहीं आया तो प्रॉब्लम, एडवर्टाइजमेंट देखा तो प्रॉब्लम, एडवर्टाइजमेंट देखे, मतलब ये लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमेशा कुछ ना कुछ लोग का नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ के नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं भी रहेगा ना, पूरा आइटम में डिफेक्ट निकाल के दिखाएंगे आपको, हाँ एकदम, मतलब उनको एकदम सफेद कपड़ा भी देंगे ना तो उसका कोने में बोलेंगे इसमें देखना ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग का फोकस है प्रॉब्लम की तरफ होता है। सो डिफिकल्ट पीपल आर दोस पीपल, दे आर डिफिकल्ट, पीपल आर डिफिकल्ट, ऐसे लोग आए ना तो अच्छा सिचुएशन का भी लफड़ा हो सकता है। हम लोग देखो ऐसे बोलते हैं ना, ये आदमी को आदमी से दूर रहो, क्यों बोले ये आ गया तो पनवती आ गए, बोले ये आया तो चालू, अच्छी चीज है, लोग बोलते इसको बुलाए, बोले इसको नहीं बुला, बाकी दुनिया को बुला लेकिन इसको नहीं बुलाना, क्यों बोले ये आया तो झगड़ा लगा के चला जाएगा, क्योंकि ये पर्सन ही डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट, हाँ ये लोग रहते, पॉइंट 1000 में एक तो आइटम मिलेगा आपको, हाँ आप सब हंस रहे हो, मतलब आपने आसपास देखे हुए हैं ऐसे लोग, हाँ तो ऐसे मतलब ये डिफिकल्टी है, इनको हैंडल कैसे करने के स्पेशल स्किल्स है, आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ओके, ये डिफिकल्ट लोगों को कैसे हैंडल करने का उनके भी कोई स्किल्स है, आज हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो ये समझना पहला बहुत जरूरी है कि हम जो सीख रहे हैं उसकी जरूरत कहां पे आती है, वो काम कहां पे आता है, तो यहां पे ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, इनके लिए स्पेशल, ये एकदम इनके लिए मार्शल आर्ट जैसा आपको एक्यूरेसी चाहिए इनके साथ हैंडल करना, वरना ये क्या कर सकते हैं, इनमें ऐसी पावर रहती है कि आपके सब प्लस पॉइंट को ये माइनस में बदल सकते हैं, आपके सब अच्छे मूड को कचरा कर सकते हैं लोग, और आपके सब बढ़िया चीजों को सबसे बढ़िया से बढ़िया इसमें आपको पूरा नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये लोगों को हैंडल करने के लिए स्पेशल स्किल जरूरी है, स्पेशल एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम बहुत टेक्निक्स, एकदम मजबूत, क्योंकि ये बहुत मजबूत रहते हैं तो इनको बहुत बहुत मजबूती से हैंडल करना पड़ता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये डिफिकल्ट पीपल है। अच्छा बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो किस में आ गए, पीपल इन द डिफिकल्ट कंडीशन। वो क्यों गलत बिहेव करता है, क्योंकि उसमें सिचुएशन जो है वो गलत तरीके से फंसा हुआ, किसी के ऊपर कर्जा ज्यादा है, वरना वो अच्छा आदमी है, वरना वो बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन वो इतना अभी प्रेशर है फाइनेंस का उसके ऊपर कि वो बढ़िया तरीके से एक्ट नहीं कर पाता। ये ज्यादा पॉपुलेशन है, 99.999% पॉपुलेशन आपको मिलेगा अच्छे लोग हैं लेकिन फंसे हुए हैं गलत सिचुएशन में। डिफिकल्ट पीपल ये लोग है ना, ये सिचुएशन भी अगर अच्छे भी हो, वंडरफुल सिचुएशन हो, वंडरफुल सिचुएशन हो, उसमें भी जाके ये लोग मतलब ये जाके वो सब सिचुएशन का वाट लगा सकते। तो ये है डिफिकल्ट पीपल, और दूसरा है पीपल इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर को लग गया, तो
थोड़ा उसका टन 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 चालू है घर में, तो घर वाले भी समझते हैं यार, समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े का एक्सीडेंट हो गया तो घर में बैठे बैठे थोड़ा मूड खराब हो जाता है उसका, वरना अच्छा इंसान है यार, इसने बहुत हेल्प किया सबको, आप समझ रहे हैं। तो वो टंटन कर रहा है, लेकिन वो टंटन इसके लिए कर रहा है कि कोई मुसीबत उसके ऊपर आ गई है करके वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस चीज को पहले डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, डिफिकल्ट पीपल कौन सा है और पीपल इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। और बहुत सारे टाइम मैंने आपको बताया कि 99.999% लोग जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं। एट द सेम टाइम मैंने बताया 0.001% हजार में एक तो ऐसा आपको आइटम मिलेगा जो खुद डिफिकल्ट है, खुद डिफिकल्ट है, और उनको हैंडल करने के लिए बहुत स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। आपको ये पहला समझा डिस्टिंग्विश, ओके। अभी इसके तीन पार्ट है। अभी ये जो सिचुएशंस है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में पब्लिक फंसा हुआ है, इनके तीन पार्ट है। ये सिचुएशन वाइज इनके तीन पार्ट है, कंट्रोलेबल, पार्शियली कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, नाउ पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन के तीन पार्ट है, ये तीनों में फंसे हुए लोग रह सकते हैं, किसी एक में फंसे हुए या तीनों में भी रह सकते हैं, तीनों में भी फंसे हुए रह सकते हैं। तो ये इसके कौन से पार्ट होते हैं तीन, कंट्रोलेबल, पार्शियली कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। ओके, कंट्रोलेबल, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलेबल, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो लेकिन अगर आप कुछ चीजें कंट्रोल करो तो पूरी तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड, एक इंडिविजुअल है, उसको रेलवे का ट्रैक पे चलने का आदत है, रेलवे का ट्रैक पे चलने से वो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस सकता है, लेकिन क्या ये सिचुएशन कंट्रोलेबल है? अगर वो डिसाइड करे कि मैं रेलवे का ट्रैक पे नहीं चलूंगा तो क्या रेलवे उसको ढूंढ ढूंढ के आएगी, बोले कौन से गली में रहता है उसको उड़ाओ? नहीं ना। तो रेलवे का एक्सीडेंट से अगर बचना है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, रेलवे का ट्रैक में चलने का आदत है, पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन घाई घाई में क्या करता है, रेलवे का ट्रैक पे चलता है। अगर ये सोचे कि भले थोड़ा मेरे को लेट हो, थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं लाइफ में कभी भी रेलवे का ट्रैक पे चलूंगा नहीं, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, तो पूरी तरह से कंट्रोलेबल है। ओके, अल्कोहल पीने से कुछ टाइप के कैंसर होते हैं, अल्कोहल का कंज्यूम करने से कुछ टाइप के कैंसर होते हैं। कैंसर होना ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, यस। लेकिन कोई इंसान अल्कोहल से दूर ही रहे तो अल्कोहल से होने वाले कैंसर से बच सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, मैं वर्ड के इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर कोई इंसान अल्कोहल से दूर रहे तो अल्कोहल से होने वाले कैंसर से तो बच सकता है, मतलब वो कंट्रोलेबल है कि नहीं? कंट्रोलेबल है। तो कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो सिचुएशन आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करो, आप सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसके बराबर उल्टा है नॉन कंट्रोलेबल। उस सिचुएशन आप कुछ भी करो, आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इसका बराबर उल्टा। ओके, इसका बराबर उल्टा। कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। ओके, कंट्रोलेबल सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रोल करो, सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक जो रहेगी खत्म हो जाएगी, आप उसमें से बाहर आ सकते हो। उसके बराबर उल्टा सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका? गाड़ी का, अरे सिंपल सिंपल एग्जांपल लो, अर्थवेक हो गया,
जमीन हिल गई, हाँ क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जरा रुकना यार टाइम देख के हिलो, हाँ सुनामी आ रही है, क्या बोल सकते हैं सिटी मार के रुको, हाँ ट्रैफिक, हाँ अभी आओ, हाँ क्या कर सकते हैं ऐसा, सुनामी आ गया, बंबई में बारिश हो गई जोर से, क्या बोल सकते हैं जरा अभी कितना एक ही दिन में, पार्ट पार्ट में आओ ना, ये मायने आओ, बोल सकते हैं नहीं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, सिचुएशन ऐसा जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल के बाहर है, कोई सिचुएशन है जो कंट्रोल कर सकते हैं, कोई सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर, कंट्रोलेबल सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, अवॉइड करना, अवॉइड करना और बाहर आओ, अवॉइड करो, ट्रैक पे चलना अवॉइड करो, स्मोकिंग करना अवॉइड करो, वो सिचुएशन का बिहेवियर अगर आप अवॉइड करोगे तो सिचुएशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, समझ रहे मेरी बात क्या है, ये हो गई कंट्रोलेबल की, नॉन कंट्रोलेबल को क्या करने का, एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट, जितना जल्दी एक्सेप्ट करो उतना अच्छा, मेरा एक दोस्त है, मैं और वो, ये जब बंबई में जोर से बारिश हुआ कुछ सालों पहले, तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग गए हुए थे, ओके ट्रेनिंग प्रोग्राम को गए हुए थे मैं और मेरा वो दोस्त, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चालू हो गया, जोर से बारिश होने लगी और पानी भर गया, अभी ये मेरे को बोल रहा है मेरी गाड़ी बराबर रहेगी क्या, मैंने बोला देख तू जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना तकलीफ कम होएगा, अरे इधर आदमी का भरोसा नहीं समझ में आ रहा है, तेरे को गाड़ी कैसे दिखेगी तेरी, हाँ तू जितना भी सोचेगा उतना तकलीफ देगा, उससे अच्छा अभी पानी कम होने दे फिर देखते गाड़ी का क्या क्या बचा है क्या क्या नहीं बचा है, पहले है कि नहीं उधर जगह पे वो भी देखेंगे, तो अभी सोच के क्या फायदा, तू तो जा नहीं सकता बाहर, ना मैं बाहर जा सकता हूँ, ना कोई जाएगा और बाहर, जाके कोई मतलब भी नहीं है, तो अभी सोच के क्या फायदा, अभी अभी एक्सेप्ट करो चीज को, चीज को एक्सेप्ट करो, घाटा हो गया मेरे को, हाँ तो बैठ गए चार दिन धंधा बंद, क्यों नहीं, मेरे को अभी टेंशन आ गया, अभी अभी हो गया वो, तो अभी जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि अभी हो गया घाटा हो गया, हाँ उतना जल्दी मतलब बाहर आ सकते हो उसमें, हाँ पर पहला क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बोले हो गया है, ओके कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ओके दोनों पैर मेरे फ्रैक्चर में थे, दो दिन मैंने सोचा, बाद में मैंने सोचा अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को, अभी हो गया है, अभी तीन चार महीने मेरे को कहां पे करना पड़ेगा, तीन चार महीने कहां पे रहना पड़ेगा, ऑन बेड, मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने बोला चलो मेरे को नए नए लैंग्वेजेस सीखने की तब तमन्ना थी, आज भी है, तो बैठो बैठो क्या करूं मैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं अगर बोलूं यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा हमेशा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो क्या मैं अपना फोकस हटा पाता नहीं, तो जो सिचुएशन नॉन कंट्रोलेबल है उसको क्या करो, जल्द से जल्द एक्सेप्ट करो और बाहर आ जाओ उसमें से, आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या है, कंट्रोलेबल सिचुएशन को अवॉइड करो, नॉन कंट्रोलेबल सिचुएशन को एक्सेप्ट, अभी बीच का जो है पार्शियली कंट्रोलेबल, पार्शियली कंट्रोलेबल का ही मतलब है मैं कुछ चीजें कंट्रोल कर सकता हूं कुछ चीजें नहीं कर सकता हूं, तो ये मैं मिनिमाइज कर सकता हूं, तो हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर आ गया, पार्शियली कंट्रोलेबल सिचुएशन को मिनिमाइज the difficult situation, समझ गया, ये हो गया location, ये discussion कहां located है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं revise करूं, हाँ समझ में आ गया आपको, okay तो minimizing difficult situation, ये एक बहुत बड़े discussion का part है, कौन सा discussion का part है, difficult moments, डिफिकल्ट मोमेंट दो प्रकार से आती है जिंदगी में, एक डिफिकल्ट पीपल
जिनको हैंडल करने के लिए स्पेशल स्किल्स लगते हैं। दूसरा है पीपल इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। ये डिफिकल्ट सिचुएशन तीन प्रकार की होती है, कंट्रोलेबल जिसको अवॉइड करना चाहिए, नॉन कंट्रोलेबल जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और बीच वाला जो है पार्शियल कंट्रोलेबल। ये जो पार्शियल कंट्रोलेबल सिचुएशन है उसको क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको जितना कंट्रोल है वो कंट्रोल का वापर करके उसको मिनिमाइज करो। सो मिनिमाइजिंग द सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन को कम कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन जो डिफिकल्ट है और जिसमें पार्शियली आप कंट्रोल कर सकते हो। जो तरीके हम सीखेंगे वो यही वापरने के, और कहीं वापरने को गए तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ आप गए, मैंने ये सिचुएशन सीखे स्वप्निल सर से, ओके कल बारिश हो रही है, बोले सब वापरो, तो काम आएंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन कंट्रोलेबल। तो गलत जगह वापरोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही जगह वापरोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ओके समझ में आ रहा है आपको, बराबर जा रहा हूं मैं। पहले हमने डिस्कस किया डिफिकल्ट सिचुएशन किसको बोलने का, फिर हमने डिस्कस किया डिफिकल्ट सिचुएशन का लोकेशन क्या है, एक्चुअली क्या है मिनिमम मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये है कहां पे, ये रहती कहां पे सिचुएशन पूरे डिफिकल्टी में, तो हमने जाना ये यहां रहती है। ओके समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, वॉट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, अभी इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मेन डेफिनेशन। ओके देखिए, वॉट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या है डिफिकल्ट सिचुएशन, उसका डेफिनेशन लिखिए, उसकी व्याख्या जिसको बोलते हैं हम लोग, वो व्याख्या लिखेंगे। ऊपर क्वेश्चन लिखिए, वॉट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है, आंसर लिखिए, सर्कमस्टेंसेस दैट आर हार्ड टू डील, ये हो गया एक लाइन में इसका डेफिनेशन। सो हार्ड टू डील दैट इज डिफिकल्ट सिचुएशन। सो व्हाट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, सब बोलिए, व्हाट इज डिफिकल्ट सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस हार्ड टू डील, वापस एक बार बोलेंगे सब एक बार वापस, वेरी गुड। ओके तो डिफिकल्ट सिचुएशंस किसको बोलेंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है, ऐसे आपका बहुताल का वातावरण, ऐसे आपके आजू बाजू का वातावरण जो हार्ड है डील करने के लिए, इसको बोलेंगे डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफिकल्ट सिचुएशन, कैसे पहचानना एक सिचुएशन डिफिकल्ट है, देखिए उसका आंसर पहले लिखिए फिर मैं डिस्कस करता हूं। द सर्कमस्टेंसेस इन विच द इंडिविजुअल डू नॉट हैव एडिक्वेट resources to deal with, okay? To deal with. मैं वापस बताता हूं फिर बाद में समझाता अभी आपको, कोई टेंशन मत लो। How to recognize the difficult situations? So circumstances in which the individual do not have adequate resources to deal with. हाँ समझो, एक सिचुएशन है, एक सर्कमस्टेंस है, वो सर्कमस्टेंस डिफिकल्ट कभी होता है तो उस सर्कमस्टेंसेस को डील करने के लिए मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या मार्ग, हाँ उसका कोई आपका मार्ग नहीं मिलता या उसका रिसोर्स का मतलब है उसको, उसके लिए जो साधन लगते हैं, साधन जो साधन लगते हैं वो नहीं होते हैं।
एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो साधन लगते हैं। अब ये साधन कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो साधन तीन प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं। एक है फाउंडेशन रिसोर्स, दूसरा है कोर रिसोर्स और तीसरा है सपोर्टिव रिसोर्स। सब समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसके लिए मैं मैंने बोला ये कोई पेप टॉक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये क्या मैंने बताया आपको, एक सिचुएशन है वो डिफिकल्ट होती है, वो कैसे पहचानने की, तो वो सिचुएशन को डील करने के लिए रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है, साधन मेरे पास नहीं है। अब ये साधन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, फाउंडेशन, कोर और सपोर्टिव। ओके, फाउंडेशन रिसोर्स मतलब आपकी मन की तैयारी होना, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मन की तैयारी होनी जरूरी है। मन की तैयारी नहीं होगी तो बाकी के रिसोर्स भी होके भी काम नहीं कर सकते। मैं सब समझाता हूं, पहले समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। फाउंडेशन रिसोर्स मतलब माइंड प्रिपरेशन, माइंड को प्रिपरेशन करने के लिए जो जो साधन लगते हैं, जो जो चीजें माइंड के ऊपर काम करती है, वो होना जरूरी है। सब समझाता हूं, पहले समझ लो क्या। कोर रिसोर्स मतलब एक्चुअल वो स्किल, वो करने का स्किल, वो करने के साधन, वो चीज करने के साधन। मैं सब समझाता हूं, पहले सिर्फ समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। और सपोर्टिव का मतलब है वो चीज अच्छे तरीके से करने के लिए और जो साधन लगते हैं वो। हाँ, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं क्या मतलब है। सबको मालूम है गीता, गीता किसने किसको बताई? गीता भगवान श्री कृष्ण ने किसको बताई? अर्जुन जी को बताई। ओके, अभी देखिए तीनों रिसोर्स कैसे काम आती। डिफिकल्ट सिचुएशन थी, सिचुएशन डिफिकल्ट थी कि नहीं? ये अच्छी सिचुएशन थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी। कुरुक्षेत्र में याद करो, कुरुक्षेत्र है, सामने कौरव भाई लोग खड़े हैं, यहां पे सब पांडव लोग खड़े हैं। सामने देखें, अर्जुन भाई ने क्या देखा? सामने देखा मेरे भाई है, सब मेरे सगे वाले हैं। ओके, और क्या हो गया? गांडीव धनुष रख दिया बाजू में और बैठ गए। ओके, अर्जुन विषाद योग 28-29-30 सदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपत्तस्य शरीरे मे रोमार्षस्य जायते गांडीवम सहस रहते हस्ता त्वक्त्वा एवं परिदेयते नच शंकुमि अवस्थातु भ्रमाति वचमे मना। बैठ गए। अभी उनको अगर वो सिचुएशन हैंडल करनी है तो तीन चीजें जरूरी है। पहला क्या है? पहला तो माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। कि माइंड अगर प्रिपेयर नहीं है तो क्या कर नहीं सकते? लड़ नहीं सकते। कोर रिसोर्स क्या है? गांडीव चलाना भी तो आना चाहिए। हाँ, नहीं तो बहुत माइंड प्रिपेयर है, मैं तेरे को आता है लड़ने को? नहीं भाई, वो कभी लाइफ में किया नहीं, पहली बार कर रहा हूं। अभी तक क्या काम करता था? बोले अभी तक दूसरा काम सब किया, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, लग सकता है, चार पांच मारेंगे तो एक तो लग सकता है। कोर रिसोर्स क्या है? गांडीव चलाने को आना चाहिए। और सपोर्टिव भगवान कृष्ण जो थे वहां पे, सपोर्टिव रिसोर्स कि मैं देखता हूं सिचुएशन में तो हेल्प करने के लिए कभी लगा तो मैं हूं बाजू में। तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो क्योंकि ये तीनों या उसमें से एक कुछ तो नहीं रहता। आपके पास बहुत कोर रिसोर्स है, ओके? आपके पास बहुत कोर रिसोर्सेस है, लेकिन फाउंडेशन रिसोर्स ही नहीं है, ओके? आप बहुत तगड़े, बहुत मजबूत एकदम हो, ओके? एकदम बहुत मजबूत हो, लेकिन मन में क्या है? डर है। तो अब रात को आए, एक छोटा बच्चा भी आपको ऐसा किया, आप भाग गए। क्यों? बहुत मेरे को कोर रिसोर्स है पर मन की तैयारी ही नहीं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई। इच्छा शक्ति भाई। हाँ, तो फाउंडेशन मतलब माइंड, जो माइंड के रिसोर्सेस है माइंड को मजबूत करने के लिए, वो हो गए फाउंडेशन। अच्छा, माइंड मजबूत है
माइंड मजबूत है, मैं आज मार्केट में जाऊंगा और पूरा मार्केट में आग लगा के आऊंगा। उसको पूछेंगे भाई तेरे को कुछ मालूम है धंधे के बारे में, बोले वो सब कुछ नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मैं सिर्फ आग लगा के आऊंगा, मैं जाऊंगा और मैं सब चीजें बदल के आऊंगा। क्या वो बदल के आ सकता है? क्यों? और एक्चुअल जो चीज करनी है, जो करने से डिफिकल्ट सिचुएशन कम हो जाएगी, उसके ऊपर उसको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, फाउंडेशन एक कोर है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर सपोर्ट नहीं है तो ये फाउंडेशन रह सकता है ज्यादा टाइम? तो ये तीन रिसोर्सेस है। तो अभी आप देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेस। तो ऐसे सिचुएशन, जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास फाउंडेशन, कोर, सपोर्टिव, ये तीनों या तीन में से कोई भी दो या कोई भी एक अगर नहीं है तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्या बन गई? डिफिकल्ट। आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? Yes. फिर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ये रिसोर्सेस हमारे में डाल दें तो डिफिकल्ट सिचुएशन अपने आप क्या हो जाएगी? अभी आपको समझ में आ रहा है? यही सीखने वाले आज हम लोग, ये रिसोर्सेस। अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है और अभी तक का डिस्कशन मैंने क्यों किया? डायरेक्ट चालू करता है एक दो तीन चार, तो एक कैसे यूज करना है इसको, क्या करना, कोई समझ में नहीं आता। ओके, तो एक सिचुएशन डिफिकल्ट जब होती है तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के रिसोर्सेज अगर आपने डाल दिए तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी अपने आप? फिर अभी हम देखेंगे रिसोर्सेस कौन से। लेकिन आपको डिस्कशन समझा, इंपॉर्टेंट है? ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और ये डिस्कशन का जो मेन है, अभी ये रिसोर्सेस हमें जानने हैं, कुछ कुछ ये रिसोर्सेस जानने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउ टू रिड्यूस द डिफिकल्ट सिचुएशन और हाउ टू मिनिमाइज द डिफिकल्ट सिचुएशन। हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू मिनिमाइज द डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब ये हम लोग क्या जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? रिसोर्सेस। हम अभी क्या सीखने वाले हैं? कुछ रिसोर्सेस सीखने वाले हैं, आप समझे? तो अगर वो अब सीख लिए और आपने उसको वापरना चालू कर दिया तो डिफिकल्ट सिचुएशन अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, डिफिकल्ट सिचुएशन कम हो जाएंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, राइट। लाइसेंस है, हाँ, इंश्योरेंस का, हाँ, बेचने का है इंश्योरेंस, लेकिन उसका मालूम ही नहीं, ये मालूम नहीं है कैसा बेचना है, नहीं हो सकता। सपोर्ट बोले तो एजुकेशन नहीं है, सपोर्ट मतलब कोई मार्ग दिखाने वाला भी नहीं है करने का। ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको? हर बिजनेस में मिलेंगे कि उनको बेसिक मालूम है, उनको मतलब मन की तैयारी है, करना है, मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में जाने के बाद क्या करना है मालूम नहीं उनको। हाँ, कैसे करना है, कैसे बात करना है कस्टमर से, कैसे कैसे डिस्टेंस पे रहना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बात करना है, मालूम नहीं है। हर बिजनेस में आपको मिलेंगे, कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, ऐसे भी आपको मिलेंगे, बहुत नॉलेज है लेकिन अनप्रिपेयर्ड, बहुत नॉलेज है लेकिन पब्लिक देखा सामने ठंडे हो गए, भूल गए। अभी की ये भाई ने एग्जाम की एग्जाम्पल दी थी। एग्जाम में क्या हो जाता है, पूरा रात दिन हम लोग ये करते हैं, माइंड की प्रिपरेशन नहीं होती। जैसे ही पेपर देख गया, बहुत सारे टाइम ऐसे बचपन में हुआ है लोगों का, पढ़ा हुआ जो रात दिन हम रात, कल हिस्ट्री का पेपर है, हम रात दिन पढ़ते, ये कभी पैदा हुआ कभी मर गया, कभी पैदा हुआ कभी मर गया, दूसरे दिन ये आया, ये कभी पैदा हुआ, ये छोड़ के सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। बाजू वाला कभी पैदा हुआ वो भी याद आ रहा है, लेकिन ये कभी पैदा हुआ नहीं मालूम है मेरे को। हाँ, मन की तैयारी नहीं होती, कंफ्यूजन
होता है। हाँ, तो ये तीनों जरूरी है। एक भी नहीं रहेगा कोई भी, तो इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में आना ही है उसको। समझ आएंगे? अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आज का जो मेन डिस्कशन, लेकिन ये तुरंत चालू कर सकता था मैं आने के बाद। ओके, देखो हाउ टू मिनिमाइज डिफिकल्ट सिचुएशन। एक दो तीन चार पांच छह, फिर क्या हो जाता था? आप गलत जगह वापस देते उसको, बोले सर रिजल्ट नहीं आया। ओके, फिर समझना ही नहीं क्या करना। तो अभी कंटर का सब डिस्कशन ने किया कि डिफिकल्ट सिचुएशन किसको बोलते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के लक्षण कौन से हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन ये मिनिमाइजिंग का डिस्कशन कहां पे लोकेटेड है एक्चुअली, फिर वो मिनिमाइज करने के लिए रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो पार्शियली वो मिनिमाइज हो ही नहीं जाएगा, वो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जिसको तो एक्सेप्ट ही करना है। और ऐसे हर चीज एक्सेप्ट करते बैठे तो क्या हो जाएगा, अपने दिमाग की हालत कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, पूरा कंफ्यूज का फादर हो जाएगा फिर वो। ओके, इसके लिए कुछ सिचुएशन को अवॉइड करो, कुछ सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। अरे लेकिन बहुत सारा सिचुएशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं आपके लाइफ में, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बराबर, मिनिमाइज किया तो सोल्यूशन निकलता ही है, मिनिमाइज उसको करेंगे तो सोल्यूशन निकलता ही है। ओके, अभी रिसो, अभी कैसे, कौन से चीजें हैं, ओके, वो करने से। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरे लेक्चर के बाद ये आप वापरना चालू करो, आपको तुरंत आपके डिफिकल्ट सिचुएशन मिनिमाइज हो जाएगी, फटाफट। आपको ऐसा लगे क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना आसान तो कभी था नहीं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैंने इतने सालों की तपस्या बोलो, पढ़ाई बोलो, जो भी है, ये तरीके में जो मैंने ढूंढ के निकाले हुए, टोटल 64 तरीके, 64, उसमें से आठ आज डिस्कस करेंगे। 64 बहुत टाइम लगेगा डिस्कस करने का, पर आउट ऑफ 64, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं कि आप ये करो, आज शाम से करो, और आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। ओके, चलो जानिए कौन से रिसोर्सेस है और वो क्या कर सकते हैं हम लोगों से। ओके, मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन और रिड्यूसिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। पहला चीज लिखिए, गिव वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पेक्ट, देना चालू करो। अभी देखो ये समझना बहुत जरूरी है, क्या मतलब है वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पेक्ट का। मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जो कह रहे हो दोनों रिलेटेड होना चाहिए, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की सगी बहन होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती, और बहुत सारे समय वो नहीं होती, इसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन मिनिमाइज नहीं होती। क्या मतलब है मेरा बताता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड। आपके सामने मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे पे, क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूं? हाँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूं? मुंह से तो क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंट हूं। बॉडी लैंग्वेज क्या है मेरी, अनकॉन्फिडेंट है। तो क्या मैं कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट कर रहा हूं? नहीं। आज से ये जानिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जो बोल रहे हो वो एक दूसरे की सगी बहन होना चाहिए। जैसे ही वो हो गई, डिफिकल्ट सिचुएशन अपने आप कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी हम कैसे बोलते हैं क्लाइंट को, नहीं सर आई एम वेरी सॉरी, अभी मुंह से क्या बोल रहे हैं, सॉरी। बॉडी लैंग्वेज क्या है, अरे यार इरिटेट हो गया यार तेरे से, अभी जल्दी मैं लेट आया, वांदा नहीं, लेकिन जल्दी सुन मेरी कहानी और जल्दी छोड़ मेरे को इतना दूर जाने का रहता है। सॉरी बोला ना, कहीं कहीं पे आपने देखा कैसे बोलते लोग, अरे सॉरी बोला ना तेरे को, अरे सॉरी कैसा बोलना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर किसी बच्चे को आप बुलाओ नजदीक, हाँ, और उसको बोलो आई लव यू, अरे आई लव यू बोल, अभी आप मुंह से क्या बोल रहे हो, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, गधे, आई केयर फॉर यू, क्या उसको केयर लगेगा? वो बोलेगा ये केयर है तो फिर गुस्सा क्या है? हाँ, तो आप देखिए, आप जो बात कर रहे हो और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है
वो सगी बहन होनी चाहिए आज से। आप किसी से भी हाथ मिलाओ, लोग कैसे हाथ मिलाते देखा ना आपने, ले पकड़, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग कैसी होनी चाहिए? बढ़िया होने चाहिए, ओके हैंड टू हैंड आई कांटेक्ट होना चाहिए, बढ़िया। तो इन शॉर्ट डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल से रिस्पेक्ट कन्वे नहीं होता। भले हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन वो कन्वे नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में झगड़ा है। अब हमारे ही चीजों में झगड़ा है, हमारे ही रिसोर्सेस में झगड़ा है। आज मैं आपको लेक्चर देने को आया हूं, ओके। अगर मैं ही बिना कॉन्फिडेंस का, अगर मैं आपको ऐसा लेक्चर दूं, मिनिमम सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम वाला ये सब्जेक्ट है, अभी क्या बताऊं, मेरे को भी पढ़ने को भी टाइम नहीं मिला, आप भी सब बिजी हो, सर ने अरेंज किया लेक्चर, अभी क्या यार, आप भी सब बैठे हो, मैं भी खड़ा हूं, अभी क्या यार, सब लफड़े की बात है, अरे कोई कटिंग भी नहीं मंगा रहा है ये। अगर मैं सब ऐसा करूं तो क्या आप बैठे हैं? क्या आप बैठ सकते हैं? क्या सुन सकते हैं मुझे? क्या आप एंजॉय कर सकते हो लेक्चर को? क्या आप नॉलेज को ले सकते हो? नहीं। तो आप पहले ध्यान में रखिए कि एक सिचुएशन में क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज और वर्बली जो बात कर रहे हो क्या वो दोनों मैच हो रही है कि नहीं। और वो मैच अगर हो गई तो आपके रिसोर्सेस एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ना कि झगड़ा करेंगे। और जैसे ही रिसोर्सेस हेल्प करे, आप एक गाड़ी पे बैठे हो और अगला पहिया आगे जा रहा है, पिछला पहिया पीछे जा रहा है, तो गाड़ी आगे जाएगी। तो हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल भी अगर एक जगह नहीं घूमेगी, अलग अलग घूमेगी, तो क्या हमारी गाड़ी आगे जाएगी? हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन बढ़ेंगे। तो आज से, आज शाम से ध्यान में रखो कि हम जो सिचुएशन में जो बात कर रहे हैं वैसी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी होनी चाहिए। उल्टा भी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जैसी है वैसी बात भी होनी चाहिए। आप समझो, आप देखो करो, मैं ये हमेशा करता हूं। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, किसी का वेट कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं, तो कैसे वेट करते हैं मालूम है? शटिया शटिया, ओके, ऐसे ऐसे वेट करते हैं, या ऐसे कुछ करेंगे, या बहुत सारी औरतें ऐसा कुछ करती रहती है, ऐसे है ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही पूरी नेगेटिव है, डिस्टर्ब है, ओके। अच्छा कोई आ गया तो फिर अच्छा बात करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा बात कर सकता है बराबर से? नहीं। आप किसी का वेट भी करना है ना, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमेशा ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ओके? कोई आए, आप देखो आपके मन में कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, ऐसे खड़े रहो, आपकी पोस्चर जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप ऐसे खड़े रहो, और आप देखना कि आपको कितना लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। आप भले किसी का वेट भी कर रहे हो और उसमें नई पहचान भी हो जाएगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, लेकिन शान से खड़े रहो। हम खड़े ऐसे रहे कि ऐसे कोई तो पोल नहीं है, पोल होता तो यार काश गवर्नमेंट सब जगह ऐसे पोल वेटिंग के लिए बनाना चाहिए, मैं भी ऐसे लटकते रहता। आप ऐसा कॉन्फिडेंट की तरह रहिए, कॉन्फिडेंटली बॉडी भी आप कॉन्फिडेंट रहिए, भले आप रात को भी कॉल कर रहे हो क्लाइंट के पास, नहीं तो आप थके हुए हैं, क्लाइंट आपको देख के और थक गया, फिर दोनों थके हुए लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस का, तो उससे थका थका ही रिजल्ट आएगा। फिर वो रिजल्ट लेके सुबह हम ऑफिस में थके हुए आते हैं, पूरा दिन फिर थका हुआ, सब एक दूसरे को थके हुए, सब थके हुए एक दूसरे को क्या सहारा देंगे? कोई तो मजबूत हो तो दूसरे को सहारा देगा। और इसके लिए बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है वो कॉन्फिडेंट, जब बात नहीं कर रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज से प्रिपेयर करो खुद को। कस्टमर को, क्लाइंट को आप जब बात कर रहे हो, जा रहे हो, मैं बहुत सारे टाइम जब क्लाइंट के पास जाता हूं तो मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, मैं स्टेयरकेस लेता हूं, स्टेयरकेस भी जोर से मैं चढ़ता हूं, उससे क्या हो जाती है, एक एनर्जी मिलती है। फिर आपने बेल मार दिया, फिर क्लाइंट ने दरवाजा खोला, तो आप में क्या है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं क्लाइंट 15 फ्लोर पे है तो आप नीचे से जाओ, मतलब सर ने एनर्जी के लिए बोला था, जब तक पहुंच जाओ। तो आपके पहले समझो कि कितनी बॉडी की आपकी एनर्जी है, प्रैक्टिस करो पहले 2-3 फ्लोर, है ना, 2-3 फ्लोर प्रैक्टिस करो, फिर आप 15 फ्लोर भी चढ़ सकते हो। मैं कभी लिफ्ट में इस्तेमाल नहीं करता, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, हाँ कोई साथ में है तो फिर करना पड़ता है, उसको नहीं बोल सकते तो लिफ्ट में जा मैं वापस आता हूं,
बट जब अकेला रहता हूं, इवन मैं कभी भी एयरपोर्ट पे जाऊं या कभी भी रेलवे में जाऊं, कभी भी मैं इवन वो जो सीढ़ियां होती है ना जो आगे ऊपर ऊपर जाती है, उसमें भी मैं चढ़ के जाता हूं, बिकॉज इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी. और आप वो एनर्जी के साथ आप जाओ क्लाइंट को और मिलो, हाय हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, कैसा लगा आपको अभी मैंने हाथ मिलाया तो? बहुत बढ़िया. वरना लोग कैसे करते हैं, पहले ही थके हुए फिर क्लाइंट को हाथ में ले पकड़ दे, हाउ आर यू, अभी कैसे, हाउ आर यू, वो भी थक जाएगा और फिर बिजनेस थक जाता है हमारा. और फिर हम बोलते हैं मार्केट बहुत डाउन है, बोले बहुत लफड़ा है. आज मैं 10 जगह गया, एक ने भी मेरी कहानी नहीं सुनी. अगर कहानी बताने का आपका तरीका ही थका हुआ रहेगा तो कौन सुनेगा. पीपल वॉन्ट टू मीट एंथुजियास्टिक पीपल, लोग कॉन्फिडेंट एंथुजियास्टिक लोगों को मिलना चाहते हैं, ना कि थके हुए लोगों को. तो पहला चीज आपके बॉडी लैंग्वेज में और आप जो बात कर रहे हो उसमें कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, उन दोनों में सगे बहन जैसा संबंध होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, समझ में आ रहे हैं आपको? Yes. आप एंजॉय कर रहे हो? हेलो, yes. आप एंजॉय कर रहे हो? वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट है अप्रिशिएट अदर्स व्यू पॉइंट. अप्रिशिएट करो. मैंने कहा अप्रिशिएट करो, एग्री करो नहीं बोला. मैंने क्या कहा, अप्रिशिएट करो. बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, हम जाते हैं क्लाइंट के पास और हम आर्ग्यूमेंट में अटक जाते हैं. आर्ग्यूमेंट में हम एक बात कर रहे हैं, उसका ख्याल बराबर उसके अपोजिट है. हम एक बात मान रहे हैं, उसका बराबर ख्याल उसके अपोजिट है. हम बिजनेस रह गया बाजू में, हम 2 घंटा डिस्कस कर रहे हैं उस मैटर के ऊपर जिससे आपने कुछ लेना देना है नहीं. अच्छा, 2 घंटे के बाद क्या वो बोलता है, मैं हार गया? नहीं, नहीं. अच्छा, फिर बिजनेस मिलता है? नहीं. हम ऐसे चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. सिंपल चीज है, अप्रिशिएट करो ना. एग्री करने को किसने बोला? कोई कोई बोला, सर ये मेरा व्यू है, मेरे को लगता है ऐसा, आप जो बिजनेस कर रहे हो ना ये ऐसा है. हम बोल सकते हैं सर आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट. बहुत आपका व्यू पॉइंट भी मायने रखता है, अप्रिशिएट. ठीक है, आगे करो बात धंधे के. हम क्या करते हैं उसी मैटर के ऊपर, सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसे कैसे, आपको समझना चाहिए ना, ऐसे ऐसा सब चीज है. अरे क्या समझाने का जरूरत है, उसको वो समझ जाता था, उसको नहीं समझ रहा है, देखो अपन माथा पच्ची करने का और खुद का सिचुएशन को डिफिकल्ट बनाने का. बोले ये ऐसा ऐसा चीज है, मैं क्या बोला, अप्रिशिएट. अप्रिशिएट तो कर सकते कि नहीं कर सकते, अपने से डिफरेंट ख्याल वाले अलग अलग लोग हैं. हम अलग अलग क्यों दिखते हैं मालूम है आपको, क्योंकि हमारा ब्रेन अलग अलग है, हम फिंगरप्रिंट लेवल तक अलग अलग है, तो ख्याल एक जैसे कैसे हो सकता है. तो ख्याल अगर अलग है तो अप्रिशिएट करो. जैसे ही आप अप्रिशिएट करना चालू कर सकते हो, किसी ने आपको बोला ये चीज आपकी है ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे ऐसी होनी चाहिए. okay. अभी क्या हो जाता है, नहीं ओके भी बोलने की जरूरत नहीं. ओके मतलब क्या है, आप रॉन्ग है वो सही है. तो सिचुएशन अभी हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, मैं सही या तू गलत, या तू सही या मैं गलत, जरूरत नहीं है. ओके भी बोलने की जरूरत नहीं, सर अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट. आपका ये कहना मैं समझ सकता हूं सर, बहुत मैं मतलब रिस्पेक्ट करता हूं आपके कहने का, आपको ओपिनियन का, बस हो गया और आगे बढ़ो जो मेन डिस्कशन है जिसके लिए आप आए हो. तो आप आज से ध्यान में रखिए, किसी ने आपके सामने कुछ ऐसा व्यू पॉइंट रखा जो आपसे आपके ख्याल से मैच नहीं होता, आपको क्या बोलना है उसको, नहीं बराबर नहीं, आई अप्रिशिएट, मेरे को अच्छा लगा आपका ये व्यू है. बराबर कहने को नहीं बोल रहा हूं, बराबर का मतलब फिर आप रॉन्ग हो गए, फिर वो चढ़ाई भी कर सकते हैं आपके ऊपर, बोले ये बराबर है, फिर ये भी बराबर है मेरा, फिर वो भी बराबर है, फिर वो भी बराबर है. आप बोलेंगे क्या, मैं वापस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, आप उसको सिर्फ इतना बोलना है आई अप्रिशिएट, मैं समझ सकता हूं आपका ये व्यू पॉइंट. हाँ मैं समझ सकता हूँ आपका ये व्यू पॉइंट है, मैं समझ सकता हूँ.
सर आप ये सब करते हैं ना, मेरे हिसाब से सब बिजनेस गलत है। सर मैं समझ सकता हूँ आपका व्यू पॉइंट को, आपका व्यू पॉइंट बराबर है, ओके है, नहीं बोल रहा हूँ, चीज को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके? तो आपको आज से क्या बोलना है, जहां पे आपकी नहीं बन रही है, या जहां पे आपके ख्याल से अलग ख्याल पेश किया जा रहा है, या कहीं पे आपको बताया जा रहा है आप गलत है और आपको मालूम है आप सही है, ऐसे समय में आपको क्या बोलना है सर? आई अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट यू सर, आई अप्रिशिएट यूर व्यू पॉइंट सर मैडम। जैसे ही आप अप्रिशिएट बोलना चालू कर दोगे, अपने आप आपके सिचुएशन कम हो जाए। अब करके देखिए, अभी तक क्या बोल रहे थे, ये सब बोल रहे थे हम लोग, ओके सर, ओके सर क्या होता है, अगर वो ओके है तो मैं क्या हो गया, गलत। फिर वो क्या बोलता है, अच्छा ये ओके ना, अभी ये भी ओके, फिर वो भी ओके, फिर तुम जो आया है उसके लिए भी तुम ओके नहीं हो, फिर हम लोग क्या है पूरा डिप्रेस होके बाहर आते, बोले ये सब सही था मैं सब गलत था। हाँ, या कभी कभी क्या जाते हैं हम लोग करते, तू गलत मैं सही, ये डिस्कशन ही में मत पड़ो। ये डिस्कशन को कैसे अवॉइड करना है, जो बोलते हैं ना, जिस राह को मंजिल तक लेके जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सर बोलो आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, आई अंडरस्टैंड, खत्म। आप जैसे ही ये वापरना चालू करो, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, आपके प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी मिनिमाइज हो जाएंगे। देखो लेट अस अंडरस्टैंड, चार लोग बैठे हुए, ओके? फिर बोलते हैं चलो चाय मंगाओ, कोई इंसान बोलता है नहीं चाय नहीं पीना चाहिए, उससे नुकसान होता है, ओके? तो अगर आपको चाय तब पीनी है तो आप अभी आप वहां पे बिजनेस करने को गए, काम करने को गए थे, या डिस्कशन करने को गए थे चाय अच्छी या बुरी, क्या करने को गए थे? हाँ, चाय अच्छी या बुरी का डिस्कशन करने को गए थे तो जरूर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आप कुछ अलग ही काम करने को गए थे वहां पे, और दो घंटा पब्लिक डिस्कस कर रहा है चाय के ऊपर, तो बोलने का आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, मैं समझ सकता हूं आप जो बोल रहे ये गलत है या सही है, गलत मैं समझ सकता हूं, ओके? फिर अपना जो मेन बिजनेस को आए थे वो बात की, कहानी खत्म होंगे, तो वहां यहां वहां भागने की जरूरत नहीं, फोकस रह सकते हैं। तो चाय वगैरह नहीं है कि नहीं? नहीं, वो मैंने क्या बोला, आप पहले तो वहां तो उसको वो बोलो कि आई अप्रिशिएट व्यू पॉइंट, फिर आप डिसाइड करो कि मंगानी है नहीं मंगानी, वो सिचुएशन देख के। अगर आप उसके ऑफिस में गए हो और वो वहां का मेन बॉस है और वो बोल रहा है चाय पीना गलत है, सबको छाछ पीना चाहिए, तो फिर शायद आप छाछ भी मंगाए, आप समझ रहे हो वो सिचुएशन के ऊपर फिर सोचो। लेकिन पहला ये हम लोग क्या समझाने को जाते हैं, उसके ऑफिस में उसके केबिन में क्या समझा, सर ऐसा कैसे बोलते हैं, तो चाय पीने वाले गधे हो गए, मतलब क्या जरूरत है, हम लोग बोलने को जाते हैं ना। अच्छा नहीं तो फिर क्या करते हैं, नहीं सर बराबर है आपका, चाय पीना भी नहीं चाहिए, चाय पीना भी नहीं, हो गया। फिर वो जब आपके ऑफिस में आता है, पहले हम लोग बिना पूछे ही चाय, क्योंकि आपने को आदत है, आपने उस दिन झूठ बोला था तो बोला आपने आप भी नहीं पीते, नहीं नहीं सर वो तो मैं वो अभी चालू कर दिया तो इससे अच्छा है आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट। फिर वो भी पूछेगा शायद, मतलब क्या अभी चाय मंगाओ या नहीं मंगाओ, सर एज यू विश, या ठीक है सर कटिंग मंगा दीजिए या बिना शक्कर का मंगा दीजिए, जो भी। फिर वो लेकिन पहले क्या करना चाहिए हमें, अप्रिशिएट, हाँ अप्रिशिएट, ये बहुत जरूरी है। ये जो टेक्निक है ना, ये मार्शल आर्ट से आई है, मार्शल आर्ट में एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं फेंसिंग करना। तो अप्रिशिएट आप जब बोलते हो ना किसी को, तो आप फेंस करते हो, फेंस करते हो मतलब क्या मैं बताता हूँ, आप आइए, ओके एक एग्जांपल बताता हूं मैं क्या होता है जब आप बोलते हो अप्रिशिएट करने से। आप पीछे से आइए, दौड़ के मेरे पे दौड़ के आइए। अभी आप जब ऐसा होता है, जब नॉर्मल आदमी ऐसा हो जाता है, अच्छा दूसरा कोई एकदम भड़का हुआ रहेगा क्या करेगा, आ गया ये ऐसा जाएगा। हाँ, अभी जो मार्शल आर्ट खेला हुआ है ना उसको एक टेक्निक मालूम है, फेंसिंग करना। अभी दौड़ के आइए, वो ऐसा रुकेगा। अभी मैं जानूंगा इसका मकसद क्या है। तो जो आप अप्रिशिएट करते हो तो आप फेंस करते हो, आप रोकते हो। अच्छा फिर अगर ये मारने को आ रहा है मेरे को, आइए फिर भी आगे, तो ये होगी या ये होगी, ओके?
ये इसको मैंने रोका और ये बोल रहा है अरे कुत्ता लगा मेरे पीछे तो मारने की जरूरत नहीं है तो मैं भी शायद भागू। आप समझ रहे हैं, या बोल रहा है वहां से शेर आ रहा है लेकिन पहले रोकना तो पड़ेगा ना इसको, रोकेंगे नहीं तो सीधा आ जाएगा। हाँ सीधा मारो, मतलब मकसद ही समझेगा। हाँ तो ये आ रहा है, वापस आ जाओ, ये आ रहा है तो इसको रोका। अभी ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो हाथ से मारो तो ये हो गई, ये हो गई, या ये यहां से पकड़ा ये भी हो गई, ये दबाया पॉइंट। लेकिन अगर ये मेरे को बोल रहा है शेर छूटा है और आ रहा है तो शायद मेरे बोले भाग चलते, तो ये चीज करनी जरूरी है। हम अभी क्या कर रहे हैं, ये आया तो पहले ही फाइट मार दिया उसको, क्यों बोले सर दौड़ के आ रहा था मेरे पे, अरे दौड़ के आ रहा था तेरे को भी दौड़ना पड़ेगा, पीछे से शेर आ रहा है, खाली पकड़ मार दिया उसको। अच्छा कुछ नहीं करे तो आके तुम कोई झापड़ मार के चला गया। तो आज जब यो ओके बोलते हैं या नो ओके बोलते हैं तो क्या करते हैं, एटलीस्ट सामने को झापड़ मारते हैं, खुद झापड़ खाते हो। आपको समझा क्या करने का, तो आप जब अप्रिशिएट बोलते हो तब आप रोकते हो उसको, पहले सामने वाले को समझो। हाँ तो अप्रिशिएट से क्या हो जाता है, वो रुक जाता है उसके ओपिनियन पे, रुक गया। फिर आप डिसाइड करो, या आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं अभी उसको रोका अप्रिशिएट, आज उसको चाय के गुण सिखा के ही जाता हूं, रुक भले गंदा ना हो, दो घंटा इसको प्रवचन सुना के जाऊंगा, भले जो भी हो आज दुनिया इधर की उधर हो जाए तो मैं सुनाऊ उसको, सुनाओ। लेकिन फिर डिसीजन आपका होगा, आपने डिसाइड कर दिया धंधे की कोई बात नहीं, ये बंदे को आज सब चाय के गुण, चाय की हिस्ट्री बता के जाऊंगा मैं, कल से टपरी खोलना चाहिए चाय का ही, सब धंधा बनकर। हाँ तो सिखाओ बराबर है। मैं यहां पे आया आज लेक्चर देने के लिए आया, तो क्या मेन चालू है बात लेक्चर की, चालू आपकी मकसद डिसाइड करने को फिर वक्त मिलता है आपको, फिर फोकस रहते हैं आप समझ रहे मेरी बात क्या। ओके नेक्स्ट पॉइंट जो है बट को इस्तेमाल कम करने का और एंड को इस्तेमाल ज्यादा करने का। अभी बट से क्या होता है ना, बट है ना, बट ये एक एक स्लाइसिंग मशीन है। स्लाइसिंग मशीन मतलब आप काट सकते हो बात को, बट मतलब चीज को काटना। आप जब बट बोलते हो तो पहली चीज को क्या करते हो, कट करते हैं। अभी किसी ने आपको बोला ये ऐसा ऐसा चीज होता है ना, आप बोलते ऐसा ऐसा चीज होता है बट जब आपने बोल दिया आपने उसको कट कर दिया। अभी बताइए किसी को अपनी बात कटी हुई अच्छी लगती है, हम क्या करते हैं बट का इस्तेमाल बहुत गलत जगह करते हैं। बट क्या है ना, काट देता है, सीधा काट देता है, पण ये काट देता है। तो आप बट का इस्तेमाल कम करो और क्या वापरना, ये ऐसा ऐसा चीज है, ये ऐसा ऐसा चीज होने से ऐसा ऐसा होता है। अभी कैसे बोलते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा होता है बट ये भी होता है नहीं, बट बोलेंगे तो वो दुखी हो जाएगा और आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन बढ़ाएगा। आप बोलो सर ऐसा ऐसा होता है और मेरा ये मानना है, एंड मेरा ये मानना है, ये भी तो हो सकता है। आप समझ रहे हैं कितना सिंपल है, देखो बट की जगह पे एंड, जहां जहां बट वापरते वहां हुए क्या बोलने का, एंड। सर ऐसा 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 हो सकता है बट सर ऐसा मैंने बताया ना कल आपको, तो क्या हो गया, तू सही है मैं सही, क्लाइंट बोलेगा मैं हमेशा सही, तो सर ऐसा ऐसा आपने बोला था एंड मुझे ऐसा लगता है मैंने भी ऐसा ऐसा कहा था। आप में से कोई लोग बोलेंगे फिर क्या बट को निकाल देना है डिक्शनरी से, नहीं बट को कहां वापरने का, मतलब बट को कहां वापरने का, जब आप किसी की अच्छाई बताना चाहते हो तब बट वापरने का, किसी की अच्छाई बताना चाहते हो, अरे आप पहली बार आए मैं कुछ दे नहीं पाया आपको, अरे सर मैं समझ सकता हूं, बट आपको याद है आप मेरे को रस्ते में मिले थे तो उस दिन मेरे को दो पेड़े खिलाए थे, तो आज से बट अच्छाई चालू करने के लिए वापरने का। अभी तक क्या करते थे हम, बट का वापर काटने के लिए वापरते, अभी कैसा करने का, कट करो लेकिन अच्छाई चालू करो तुरंत,
तो जहां पे रिवर्स व्यू बताना है वहां पे बट की जगह क्या बताएंगे, एंड। और जहां पे उसका सपोर्टिव व्यू बताना है तब क्या यूज कर सकते हैं, बट। कर सकते हैं, करना ही जरूरी है, ऐसा नहीं, हो सके उतना अवॉइड करो पहला तो बट को। और वापरने की बहुत तमन्ना ही होगी, बोले आज चार दिन से मैंने बट वापरा नहीं, आज जो भी आइटम मिलेगा पहला उसको क्या बोलूंगा, बट। तो अच्छा बोलो बट सर के, अरे सर मैं थोड़ा लेट आ गया, अरे बट तू आया तो सही, बहुत अच्छी बात है, आजा आजा अंदर। तो बट अच्छा ही चालू करो, अभी तो क्या बोलते हैं लेट आया, बट अरे तेरे को फोन करना चाहिए था, तेरे को अकल नहीं, तो ऐसे बोल सकते तू लेट आया एंड मैं ये चाहता था तू फोन करता तो बहुत अच्छा है, और मैं चाहता था तू फोन करे तो अच्छा है, तू लेट आया और मैं चाहता हूं तू फोन करे तो अच्छा है। बट कभी कभी वापरना है आपको, अच्छा बट कभी चालू करना है, अच्छा जब किसी के अच्छा ही चालू करना है तब, पहले तो हो सके उतना कम वापरो, बहुत तमन्ना ही हुई, बोले सर क्या करूं मेरे को बट, मेरे को चार दो बार मेरे को आज वापरना पड़ेगा, बोले ठीक है अच्छा ही चालू कर, बट तू कितना अच्छा है, बट तेरा फ्रेम कितना अच्छा है चश्मे का, बट तेरा कपड़ा कितना अच्छा है, बट तू कितना अच्छा आदमी है, कोई डिप्रेस है, अरे मेरे को कुछ काम नहीं करना, अरे बट तू कितना काम किया है परसों यार, समझ रहे हैं? हम अभी तक बट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बराबर है, और हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन को बढ़ा रहे थे। मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, वेरी गुड। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं? आप तुरंत लेक्चर के बाद भी वापर सकते हैं ना ये सब, ये ऐसा कुछ है, बाप रे उस दिन वो आया शाम को और फिर कुछ ऐसा सिखा के गया, मां कसम नेक्स्ट 200 साल में वापर नहीं सकती मैं, ये वापर नहीं सकता, 200 साल के बाद ये सोच सकती हूं मैं कुछ नहीं, यू कैन यूज इमीडिएटली, बराबर है। नेक्स्ट टेक्निक है अंडरस्टैंडिंग चॉइस एंड प्राइस इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग द चॉइस एंड प्राइस इक्वेशन। देखो अगर हमको यह समझ में आ गया कि हर चीज की एक चॉइस है, हर चीज की एक प्राइस है, अगर ये समझ में आ गया तो सिचुएशन अपने आप कम हो जाती है। आप समझे, मैंने ये काम किया तो कुछ फायदा होगा और नुकसान होगा, और काम नहीं किया तो कुछ फायदा होगा और नुकसान, हर चॉइस का एक प्राइस है, हर प्राइस का एक चॉइस है। प्राइस मतलब सिर्फ पैसा मत समझो, पैसा तो एक एस्पेक्ट हो गया, टाइम है और भी है आपके रिसोर्सेस, मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के हैं, तो हर रिसोर्सेस की एक प्राइस है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, ध्यान में रखो, कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, हर एक का कुछ प्राइस है, कभी टाइम है, कभी आपका पैसा है, कभी आपके कोई और रिसोर्सेस है, तो देयर इज अ चॉइस, देयर इज अ प्राइस। तो हमेशा लाइफ में समझिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, काम ही नहीं करते, आगे एक्ट ही नहीं करते, क्यों मालूम है, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि मेरे सब हाथ में लड्डू आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग है। देखो अरे यार तू अभी तक शादी क्यों नहीं किया, बोले मैं, मेरे को ना एकदम लंबे घने बाल वाली, एकदम बढ़िया दिखने वाली, फेस वगैरह बढ़िया होना चाहिए, और एकदम वो बोले तो ऐसा लगना चाहिए फूल गिर रहे, और वो आए तो ऐसा लगना चाहिए बाहर आ गई, बोले ऐसा आइटम मिलेगा तब मैं क्या करूंगा, तो उम्र भर वो कैसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा वो, हाँ क्योंकि ऐसा मिलने वाला है नहीं, है ना। मतलब कोई कोई लोगों का रहता ना परफेक्ट सिचुएशन, बोले परफेक्ट होएगा तो मैं काम करूंगा, हाँ वातावरण परफेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, सब बढ़िया तरीके से होना चाहिए, रोड में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोग कम होने चाहिए, कंपटीशन धंधे में नहीं होना चाहिए, मार्केट बराबर रहना चाहिए, बराबर से आजू बाजू वाले लोग मेरे से बिहेव करने चाहिए, सब हिसाब से अच्छा होना चाहिए, दूध वाला बढ़िया होना चाहिए, पेपर वाला दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी होना चाहिए, ये सब बढ़िया होना चाहिए, ये सब बढ़िया रहेगा तब मैं क्या करूंगा, काम करूंगा, तभी काम करूंगा, वरना मैं काम करूंगा नहीं, तो उम्र भर वैसे ही रहेगा। तो हर चीज का कोई चॉइस है, हर चीज का है प्राइस है, तो हमेशा आप चीज को करो
उसका भी कोई चॉइस है, कोई प्राइस है, कोई नहीं करो तो भी चॉइस है। तो आज शाम से समझो, हर चीज का कोई चॉइस है, कोई प्राइस है। अगर मैं ज्यादा खा रहा हूं, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, उसकी प्राइस क्या है? दुनिया भर के रोग आ जाएंगे। अच्छा मैं कम खा रहा हूं, उसके लिए थोड़ा मन को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, उसकी भी प्राइस है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जितना जरूरत है उतना ही खा रहे, बराबर है? जीने के लिए खाना चाहिए इंसान को, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। तो अगर वो अभी कंट्रोल करे तो लॉन्ग टर्म उसका बॉडी चलेगा। तो हर सिचुएशन का कोई चॉइस है, तो परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं होगी। हर चीज का कोई चॉइस है, हर चीज का कोई प्राइस है। जिसको ये समझा, डिफिकल्ट सिचुएशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके सामने, बराबर है? आप सोचिए वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बुरा क्या हो सकता है, और तैयार रहिए उसके लिए। वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बुरा से बुरा क्या हो सकता है। आप किसी क्लाइंट के पास गए, बुरा से बुरा क्या हो सकता है? बिजनेस नहीं देगा, भगा देगा, गुस्सा करेगा, खड़ा ही नहीं करेगा, दरवाजा ही नहीं खोलेगा, बोलेगा कौन है तू, मैंने तो बुला ही नहीं तेरे को। ठीक है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है? ना बोलेगा। उसकी प्रिपरेशन कर लो, तो जो मिले उसको एंजॉय कर सकते। पॉजिटिव प्रिपरेशन ही है ये। मैं बुरा से बुरा क्या होएगा वो सोच के काम पे निकल रहा हूं, नेगेटिव सोचूंगा तो घर में बैठूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग, और वर्स्ट केस के लिए भी मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूं। देखो कुआं है ना, गर्मी में खोदते हैं, क्यों? तब पानी लगा तो पूरे साल भर पानी लगा। गर्मी में एक पानी का लेवल सबसे कम जाता है, तो तभी पानी मिला तो पूरे साल भर पानी रहेगा। यह है कुआं खोदने जैसा। एक चीज का बुरा से बुरा, उसके लिए ही तैयार रहो। मैं लेक्चर को जा रहा हूं, बुरा से बुरा, मेरे को याद है कुछ दिनों पहले मैं पूना को एक लेक्चर को जा रहा था, और आगे का ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो गया, एंड देन हमारा गाड़ी एकदम पीछे था, तो ब्रेक मारा इमरजेंसी और गाड़ी थोड़ा टच हो गया, फिर थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट हो गया वहां पे। तो मैं ये प्रिपेयर था, मैं जल्दी घर से निकला था, और मैंने प्रिपेयर किया था कि अगर कुछ मेरे चीज लाइफ में ऐसी चीज होती है तो मैं एंजॉय करूं। तो हम लोग गाड़ी से बाहर उतरे, देख रहे, और मैंने जस्ट देखा ट्रक के पीछे, तो बहुत बढ़िया सेंटेंस था। मैंने बोला यार ये देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है उसमें मालूम है? चम्मच बन, कांटा बन, छुरी बन, पर किसी का चमचा मत बन। क्या लिखा था? चम्मच बन, कांटा बन, छुरी बन, पर किसी का चमचा मत बन। मैंने बोला ये देखो इसको वापस दे ट्रेनिंग में, बढ़िया सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं तैयार ही नहीं रहता तो मैं इरिटेट हो जाता, ये क्या हो रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? तो आप वर्स्ट केस को, सिनारियो को, वर्स्ट केस, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ओके, आप उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। समझ में आ रहे हैं आपको? नेक्स्ट, ब्रेक द डिफिकल्ट सिचुएशन इन पार्ट्स। सिचुएशन को पार्ट में ब्रेक करो, ब्रेक द डिफिकल्ट सिचुएशन इन द पार्ट्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड, एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट के पास आपको जाने को बहुत डर लग रहा है। पूछा आपको क्या हो रहा है यार? नहीं यार बहुत डर लग रहा है यार, बहुत बहुत अकल वाला आदमी है, बहुत सवाल पूछेगा, बहुत क्वेश्चन करेगा, और मेरे को लगता है मेरा प्रिपरेशन नहीं है, बहुत 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 मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकता। ओके, डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको ब्रेक करो। यार क्या हो रहा है? डर लग रहा है मतलब क्या हो रहा है तेरे को? के कपड़ा बराबर नहीं है इसके लिए? नहीं, कपड़ा तो फैंटास्टिक है, ये सबसे बढ़िया कपड़ा पहना हुआ मैंने, स्प्रे भी मैंने अच्छा मारा हुआ,
आई वाई भी बढ़िया लगाया हुआ है, एकदम फैंटास्टिक, एकदम मस्त दिख रहा हूं मैं। ओके, फिर वहां तक पहुंचने का कुछ प्रॉब्लम है? देखो, नहीं नहीं, सब है, व्हीकल है, सब, मैं जाऊंगा वहां पे, क्लाइंट से बात होगी। फिर क्या लगता है, वो भगा देगा? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, भगा देगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को डर ऐसा लगता है, जब बात करेगा ना तो वो बहुत क्वेश्चन पूछेगा, बहुत नॉलेजेबल है वो। ठीक है, मतलब तेरा घबराना किसके वजह से है? नॉलेज के वजह से। तो तू काम कर सकता है, जो मालूम है बता सकता है, जो नहीं मालूम है तू बोल सकता है, ये नहीं मालूम है मैं स्टडी करके आपसे वापस मिलने को आऊंगा। तो अपने ब्रेक किया सिचुएशन को, तो इशू मिला, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी सिचुएशन जो होती है प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, इसमें से एक इशू ही प्रॉब्लमेटिक होता है। Are you getting what I'm saying? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मूड नहीं है। अरे क्यों यार, क्या हुआ था? अभी तक तो मूड था तेरा। नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है मतलब मेंटली अच्छा नहीं लग रहा है, फिजिकली कुछ? नहीं नहीं यार, फिजिकली और मेंटली भी सब बराबर है, लेकिन क्या बताऊं तेरे को। नहीं नहीं, बता ना क्या। अरे मेरे शूज को बहुत स्मेल आ रहा है। तो एयर फ्रेशनर मारते हैं ना उसके ऊपर, मेरे पास है, मारू? हाँ, समझे? सिचुएशन क्या है उसको ब्रेक किया, और एक्चुअल प्रॉब्लम को कभी कभी आसानी से हल कर सकते हैं। नहीं यार, मेरे को मेरे सॉक्स में, नहीं बहुत बारिश हो रही है और मैं नहीं जा सकता यार, मेरे को सुबह तो लगा धूप था, अभी सॉक्स पूरे ये हो गए। अरे कोई बात नहीं है, एक काम कर, मेरी सैंडल पहन के जा। तो सिचुएशन को ब्रेक किया और पता करा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली मेन इशू। कभी कभी क्या होता है ना, जो इशू अपन लेके आते हैं और इशू जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है। बता रहे मूड नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सॉक्स का स्मेल आ रहा है। तो आप ब्रेक करो सिचुएशन को, ब्रेक करो। सातवां स्किल है, कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट। क्या होता है ना, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके कॉन्फिडेंस से ही देख के भाग जाते हैं, समझे? जहां पे आपका कॉन्फिडेंस है, आप पहले कॉन्फिडेंट रहो। इंसान क्या होता है, कोई भी चीज जब होती है ना तो दो चीजें होती है, एक वो चीज होती है और वो कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड, मैं आपको यहां पे पढ़ाने को आया और ये पेन एंड वर्क पे लिख ही नहीं रहा है बोर्ड मार्कर, तो दो चीजें हो गई, एक तो पेन नहीं लिख रहा है और वो नहीं लिखने के वजह से मेरा क्या हो गया, कॉन्फिडेंस। क्या मैं पेन ठीक कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं मेरा कॉन्फिडेंस ठीक कर सकता हूं? हाँ। मैं काम को जा रहा हूं और मेरी इंपॉर्टेंट चीज भूल गई, चीज भूल गई, ये एक चीज हो गई, और वो चीज के साथ मेरा और क्या गया, वो चीज मैं तुरंत वापस शायद ना ला सकूं, लेकिन कॉन्फिडेंट ला सकता हूं, है ना? घर से बाहर निकले, मोबाइल भूल गए, क्लाइंट के पास गए, याद आ गया, फिर क्लाइंट को डिस्कस कर रहे, तब मोबाइल, आधा ध्यान मोबाइल की तरफ, आधा ध्यान दिन में कौन से किसके किसके फोन आएंगे, फिर आधा ध्यान क्लाइंट की तरफ। तो पहला चीज है मोबाइल भूल गए, पहले क्लाइंट को भी बताना, भाई थोड़ा मेरा मूड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा मैं मोबाइल भूल गया, फिर भी मैं पूरा तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेट करूंगा। क्योंकि मोबाइल भूल गए उसको टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आप कैचअप कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? Yes, sir. मेरी बात। तो दो चीजें जाती है इसके लिए, पहला क्या, आप कॉन्फिडेंट जब रहो तो आधे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके solve. और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके प्रॉब्लम भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस, हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करो कॉन्फिडेंस के साथ, ओके? आपको बहुत तरीके से फायदा होगा। और आठवां और सबसे सबसे लास्ट, आज का दिन का लास्ट तरीका बता रहा हूं मैं, वैसे 64 तरीके, और आठवां है स्माइल रखने का मुंह पे, ओके? सब स्माइल करके दिखाइए मेरे को। क्या होता है ना, हम लोग हमारा फेस हमेशा ऐसा करते हैं ना कि दुनिया का पूरा टेंशन मेरे को है, पूरा, हाँ पूरा टेंशन दुनिया भर का, पूरा कंधे का, कंधे के ऊपर पूरा बोझ उठा के चल रहा हूं। स्माइल रखो ना, थोड़ा स्माइल, थोड़ा, एकदम थोड़ा,
एकदम बहुत ऐसा बड़ा स्माइल रखेंगे तो हाँ पागल कहेंगे हाँ, क्योंकि स्माइल थोड़ा सा स्माइल रखो, थोड़ा सा स्माइल। मैंने ये सब चीजें कहां से सीखी? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध ने कहा दुनिया दुखमय है, दुनिया में दुख है, दुख पे विजय पाना है तो तृष्णा पे विजय पाओ। लेकिन आप गौतम बुद्ध की कोई भी मूर्ति देखो, आप देखना गौतम बुद्ध के मुंह पे ऊपर एक बहुत अच्छा स्माइल है, बहुत शांत स्माइल है। तो लोग हंसना भूल गए आज, एक स्माइल रखो। किसी को भी मिलो तो थोड़ा स्माइल, थोड़ा एक मुंह पे थोड़ा स्माइल। हम लोग कैसे मिलते हैं? ओके, थोड़ा स्माइल से क्या होता है ना, हम थोड़े अच्छे आत्मा हो जाते हैं, वरना क्या होते हैं, दुखी आत्मा रहते हैं। हाँ, और एक दूसरे के ऊपर डिस्कशन चालू रहते हैं, सबसे दुखी कौन, सबसे दुखी कौन, तू दुखी ही बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को ये कितना प्रॉब्लम है, मेरे को तो और कितना प्रॉब्लम है। तो जैसे कंपटीशन चल रही है कि कंपटीशन के बाद क्या होगा, कोई तो अवार्ड देगा, बोले एक काम करो ये है मिस्टर दुखी, सबसे बड़ा दुखी, ये टॉप 10 दुखी में से पहला दुखी, ये दूसरा दुखी, ये तीसरा दुखी। तो हंसना, पहले हंसना सीखो तो दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ये सीखना पड़ता है हंसना। इंसान रोते हुए आता है, हंसते हुए नहीं। इसके लिए जब भी टाइम मिले आईने के सामने हंसने का प्रैक्टिस करो। हाँ, इसके लिए सीखना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आता। मैं भी जहां पे डेस्क पे बैठता हूं, मैं हमेशा बाजू में आईना रखता हूं, हमेशा आप देखो कि क्या मैं हंस रहा हूं। आपको मालूम है किसी क्लाइंट को फोन करना है और ये हमेशा झापड़ मारता है क्लाइंट फोन पे मेरे को, तो सामने आईना रख के बात करो, वो मार रहा हूं आप। अब थोड़ा हंसने का, स्माइल करने का। अब हमेशा आपके एक्सप्रेशन देखिए हमेशा, और वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हंसना सीखना पड़ता है, ध्यान में रखिए। लोगों को लगता है हंसना नेचुरल है, हंसना नेचुरल है, लेकिन हमेशा स्माइल रखना मुंह पे, ये आर्ट है, ये सीखनी पड़ती है। और इसके लिए जब भी टाइम मिले आईने के सामने प्रैक्टिस करो, ख्याल करो मेरा सब दुनिया का प्रॉब्लम है। हाँ, मैं मुस्कुरा सकता हूं, मेरा लेक्चर किसी ने नहीं सुना। मतलब आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक बार आपको प्रैक्टिस आ गई मुस्कुराने की, और अगर आप मुस्कुराना सीख गए प्रॉब्लम के ऊपर, अरे हाँ चलता है, ट्रस्ट में आधा ताकत ही कम हो जाता है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम कुछ कर ही नहीं पाएगा आपको, प्रॉब्लम आपको इसके लिए अफेक्ट कर पाता है क्योंकि आपकी मुस्कुराहट, वो मैंने आपको बताया ना, हार्ड टू हैप्पी रिमेन हैप्पी, डिफिकल्ट सिचुएशन एक पहचानने का तरीका। आप मुस्कुराना सीखो, जिसको मुस्कुराना समझ गया उसको दुनिया समझ गई। विवेकानंद जी को एक बार पूछा था सबसे बड़ा योग कौन सा है, विवेकानंद साहब ने बोला था स्माइल, हंसना सबसे बड़ा योग है। जिसको स्माइल समझ में आ गई, या दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिसको जीवन समझ में आ गया, जिसको जीवन समझ में आ गया ना, मुस्कुराएगा, बोलेगा यार ये तो ठीक है यार, चलता है। ओके, स्माइल होना चाहिए, छोटा सा स्माइल एकदम, जिसको बोलते हैं जीनियस स्माइल, जीनियस स्माइल, होशियार लोगों की स्माइल वो होनी चाहिए। ओके, स्माइल। अब ये तरीके करिए, एंड ट्रस्ट मी, 64 में से 8 तरीके मैंने आपको बताए, जस्ट मैं रिवाइज करता हूं। वर्बल नॉन वर्बल में आपका कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, उसमें अच्छा संबंध रखिए, लोगों को अप्रिशिएट करिए उनके व्यू पॉइंट को, बट कम से कम इस्तेमाल करिए, एंड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, और जहां पे बट इस्तेमाल करना है वहां पे लोगों की अच्छाइयां चालू करिए। हमेशा समझिए कि हर एक चॉइस की प्राइस होती और वो कभी भी जीरो नहीं कर सकते। वर्स्ट केस सिनेरियो, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ऑल थिंग्स हैंडल, या ऑल थिंग्स कैन बी हैंडल इफ यू आर रेडी टू फेस द वर्स्ट केस। बुरा से बुरा क्या हो सकता है सिचुएशन में, किसी भी डिफिकल्ट चीज को ब्रेक करिए, ब्रेक करके एक्चुअल कोर इश्यू को फाइंड आउट करिए। कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, उससे डिफिकल्ट सिचुएशन बढ़ती है। बहुत बढ़िया, आपने एक बार एक अभी सब्जेक्ट निकाला है, मैं कभी बाद में इसके ऊपर बात करूंगा। ओके, टाइम मिला तो जाते समय 5 मिनट में और बात कर जाऊंगा आपसे, लेकिन झूठ तो बोलना ही नहीं, जरूरत नहीं है। और सच भी बोलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, वरना बिना कॉन्फिडेंस के सच भी बोलेंगे तो क्या लगेगा, झूठ लगेगा।
एंड द लास्ट इज आपको एक मुंह पे स्माइल, छोटी सी स्माइल, जीनियस स्माइल जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए. ओके आगे का एक पॉइंट रखिए. ओके व्हाट इज द बैलेंस अप्रोच, व्हाट इज द बैलेंस अप्रोच. अगर डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको कम करना है तो आपको बैलेंस अप्रोच में काम करना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच में काम करना पड़ेगा. तो बैलेंस अप्रोच किसको बोलते हैं, जस्ट लिखिए, बैलेंस अप्रोच किसको बोलते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिटीज समझाता हूं मैं, पहले लिख लीजिए, अपोजिशन बाय इक्वल फोर्स अवॉइड एग्जैजरेशंस. सिंपल सिंपल है, फटाफट आपको समझा देता हूं मैं. असिस्ट अदर्स challenge rather than problems. Challenges rather than problems and power of giving. Okay, total 36 तरीके हैं ये balance approach सीखने के. Total 36 तरीके, उसमें से 6 बता रहा हूं मैं आपको. अभी situation को minimize ही रखना है, मिनिमाइज किए हमने सिचुएशन, लेकिन अगर मिनिमाइज ही उसको रखना है तो कुछ करना पड़ेगा. आप समझ रहे मेरी बात क्या है, आप पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं. हाँ. आपको मजा आ रहा है? हेलो, आर यू गेटिंग द नॉलेज ऑल्सो? हाँ, लेकिन सिर्फ मजा करने के लिए लेक्चर नहीं है, नॉलेज मिल रहा है. अच्छा, वेरी गुड. अभी ये क्या है, बैलेंस अप्रोच. ये क्या है, बैलेंस अप्रोच. अभी क्या बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या, पहले रिसोर्सेज अपने यूज करके सिचुएशन को मिनिमाइज किया, लेकिन उसको मिनिमाइज ही रखना जरूरी है, वरना वो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ेगी. देखो, आप टू व्हीलर पे रहते हो, टाइमिंग आपको खड़ा करना है तो आपने पैर रख दिए, लेकिन उसको वैसे ही खड़ा रख के जाने का है तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे खड़ी रहे, नहीं फिर क्या करेंगे, उसको स्टैंड पे लगाएंगे. तो ये है स्टैंड पे लगाना, सिचुएशन को मिनिमाइज किया, लेकिन उसको मिनिमाइज ही लेवल तक रखना पड़ेगा, अगर वो नहीं रखेंगे तो अपने आप वो वापस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी. तो ये सिचुएशन को मिनिमाइज लेवल को हमेशा रखने के लिए ये अप्रोच ही होना चाहिए, आपका अप्रोच ही होना चाहिए, ये आपका बिहेवियर का स्टाइल ही ऐसा होना चाहिए. समझ में आ रहा है आपको, रिसोर्सेज यूज करके आपने सिचुएशन को मिनिमाइज किया, और मिनिमाइज किया हुआ सिचुएशन मिनिमाइज हमेशा रखने के लिए अप्रोच ही, अपना बिहेवियर का अप्रोच ही ऐसा रखा. कौन से तरीके, 36 तरीके में से 6 बता रहा हूं आपको. प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिटीज, हम क्या करते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम, एक तो पॉजिटिव बहुत एक्सट्रीम या नेगेटिव बहुत एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम सोच लेते हैं, बहुत एक्सट्रीम. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड, आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को आपको जाना है, और वो मीटिंग जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग में आप एंट्री कर रहे हो, आपका अपॉइंटमेंट है, आप अपॉइंटमेंट में विद इन 2 मिनट्स पहुंचना है आपको, और एक बहुत बड़ा कुत्ता एक लड़की लेके वो गेट के सामने खड़ा है, और आप कुत्ते से बहुत डर रहे हो. अभी क्या होता है, इंसान जैसे ही कुत्ता देखता है, अभी बराबर था मूड सब, और वो भी डोर के सामने, और हम लोग बहुत कुत्ते को डरते हैं, तो हमने चालू कर दिया एक्सट्रीमिटीज मन में, कैसे यार ये लोगों को समझ में नहीं आता है, कुत्ते भी अपने साइज के पालो ना, बड़े बड़े कुत्ते लेके घूमते हैं, वो भी डोर के अंदर खड़े रहते हैं, अकल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लोग को सबको समझना चाहिए, ये लोग को सबको पकड़ के मारना चाहिए, ऐसे कैसे कुत्ते, अभी कुत्ता उधर ही है और तुमको देख भी नहीं रहे, वो तुमको देख भी नहीं रहे.
और हम लोग क्लाइंट को भूल के किसके लिए आ गए अभी, कुत्ते के ऊपर। समझना चाहिए ना, जान दे मैं वापस ही जाता हूं। एक क्लाइंट के बिल्डिंग में बहुत कुत्ते हैं। समझे आप, एक्सट्रीम क्या एक्सट्रीमिटीज करने की जरूरत है। आप शांति से देखो तो पता चलता है बाजू से और एक गेट है। या बोल सकते हैं मैडम जरा बाजू में मैं जाना है, मैं डरता हूं। हाँ, या कोई पीछे से आ रहा है, हाँ उससे बात बात करते करते निकल गए। हाँ सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रीमिटीज। कभी कभी लोग बोलते ना सब चोर है। सब चोर मतलब कितने जन को तू मिला। सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही है। कितने जन को तू मिला, सब ऐसे ही होते। कितने लोग, तेरे को कम से कम 500 लोग मालूम है, नाम लिख सकते हैं पेपर के ऊपर। नहीं नहीं वो मालूम नहीं। फिर सब ऐसे ही होते हैं, सब दुनिया ऐसे ही है। अरे ऐसे कैसे दुनिया है। तो अपना अप्रोच क्या रहता है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम करने का, सब एक्सट्रीम। अपनी सोच लगा, हाँ पसंदीदा खाना मिल गया मजबूत खा लो, सब एक्सट्रीम। पहला क्या करो, एक्सट्रीमिटीज को प्रिवेंट करो लाइफ में। हमेशा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं सोचने का, सिचुएशन है डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए बोल रहा हूं, डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोचने का नहीं, तो डिफिकल्ट सिचुएशन हमेशा कम रहेगी। अपोजिशन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। डिफिकल्ट सिचुएशन आपका जो रिसोर्स खींचता है उसके बराबर अपोजिट रिसोर्स तैयार करने का। अगर ये सिचुएशन से मैं दुखी हो रहा हूं तो मेरे को हैप्पीनेस बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा ऐसा करता हूं, कभी मैं दुखी हो जाता हूं तो वो दुखी को अपोजिट क्या है, हैप्पीनेस। तो मैं बांसुरी बजाता हूं, मैं बांसुरी बजाता हूं तो मेरे को वापस हैप्पीनेस, मेरे को अच्छा लगता है। मैं सेल्स में था, इतने साल में सेल्स में करता था, तो कहीं कहीं मैं पूरा दिन में कोई अच्छा प्रोडक्टिव कॉल नहीं होता था मेरा। तो मैं क्या करता था, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी जगह कहीं किसी अच्छे दोस्त से मिलता था, कोई अच्छा मोटिवेशन का किताब पढ़ता था, कोई गाना गाता था अच्छा, तो उससे मुझे हैप्पीनेस मेरा वापस मिल जाता था, ताकि दुनिया की जिल्लत प्रॉब्लम मैं सह सकूं। तो इसका मतलब क्या है, अपोजिशन बाय इक्वल फोर्स, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन जो चीज आपसे लेती है उस चीज को आप रिप्लेस करो। समझ में आ रहा है आपको, वो चीज को आप रिप्लेस करो। कैसे कैसे रिप्लेस करो, अच्छे दोस्तों के साथ बात करो, अच्छी किताब पढ़ो। आज जो आप कर रहे हो, आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, सुनो अच्छे लोगों को, उनका एक्सपीरियंस सुनो समझो, तो आपका कॉन्फिडेंस रिप्लेस हो जाएगा, आपको मिलेगा मिलेगा रिसोर्स, फंडामेंटल कोर सपोर्टिव रिसोर्स मिलेंगे, फिर वो रिसोर्स वापस आप डाल सकते हो प्रॉब्लम के आगे। नेक्स्ट है अवॉइड द एग्जैग्रेशन। एक्सट्रीमिटीज एंड एग्जैग्रेशन में फर्क है। एग्जैग्रेशन में क्या होता है ना, हम एक चीज को इतना एग्जैग्रेट करते हैं, एक चीज के बारे में इतना सोचते हैं कि वो चीज करना ही हम छोड़ देते हैं। चीज के बारे में इतना सोचते हैं हम, कभी कभी आप देखो कितना सोचते हैं हम लोग एक चीज के ऊपर, चीज फालतू रहती है। अरे मैं सुबह गया यार, फिर अरे यार वो बंदा मेरे साथ काम करता था 10 साल, उसने उसको मैंने नीचे से यहां तक ऊपर तक लेके गया, फिर यार मेरे को सिर्फ गुड मॉर्निंग में नहीं बोला यार। ये गुड मॉर्निंग को ही पूरा दिन आपने दिमाग में बिठाया, जिसके वजह से आपका मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग भी बैड पूरा दिन। अभी तू क्यों भड़का, अरे तेरे को मालूम है वो उसको मैंने बिजनेस सिखाया, फिर आज सुबह मेरे को मिला, फिर मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला। अभी वो शाम को तू उसको कैसे बता रहा, वो भी छोड़ देगा कल से गुड मॉर्निंग बोलने का। हम एक चीज को पकड़ के पूरा पूरा एग्जैग्रेशन, मतलब उस चीज को पूरा ऐसे खींच के पूरे हमारे लाइफ तक ये कर देते हैं। मेरे पास कितने सारे काउंसलिंग को लोग आते हैं, दुखी आत्मा, बोले क्यों, मेरा सर अफेयर टूट गया था, बोले कभी, बोले 5 साल पहले, फिर अभी क्या हो गया, नहीं सर, अरे हाँ 5 साल पहले, अभी भूल जाना, तू
जिसके साथ अफेयर किया वो तो मजा कर रहा रहेगा, अभी तू भी एंजॉय कर। अभी इसको खींच के कितना, 5 साल और तू खींच के किधर को अवार्ड मिलेगा बाद में, बोले ये है आज का देवदास। क्या जरूरत है, अभी हो गया। कितना खींचने का एक चीज को, कितना खींचने। मेरे को कितने लोग आते हैं काउंसलिंग को, सर मैंने 22 साल तक उसका मुंह नहीं देखा। बोले फिर बेवकूफ है तू, मुंह देखने से क्या होता है, देख के आने का एक दिन। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मुंह नहीं देखने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं सर, मैंने 22 साल मुंह नहीं देखा। और बोले 23वें साल में भी मैं मजबूत हूं। फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उसके साथ का? बोले बिल्कुल नहीं। फिर देख क्या हूं। एक खींचने का, कितना खींचने का एक चीज को, है ना। कोई कोई लोग देखो वह एक इशू को 5-5 दिन पकड़ के बैठते हैं, 5-5 दिन। अरे तेरे को अकल नहीं है, लास्ट मंडे को भी तू गलती किया था। अभी लास्ट मंडे को हो गया ना यार, लास्ट मंडे हो गया, उसमें पकड़ के उसको कभी नहीं करने का। तो अवॉइड एग्जैक्ट असिस्ट अदर। आपको अगर खुद के प्रॉब्लम अगर कम करने हैं ना, तो वो प्रॉब्लम में जो दूसरे लोग फंसे हुए उनको मदद करो, सपोर्ट करो, क्योंकि उनको सपोर्ट करते समय आपको भी आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको मैं कितना एनर्जेटिक से क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि टू टीच इज टू लर्न अगेन। आपको समझाते समझाते मैं ये सब वापस सीख रहा हूं, मेरे माइंड को मैं वापस सिखा रहा हूं ये सब चीजें। तो आप असिस्ट करो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं नॉलेज, ताकि आपके लाइफ के प्रॉब्लम कम हो। लेकिन आपके लाइफ के प्रॉब्लम कम होते होते मेरे भी लाइफ के प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। आप असिस्ट करो। लोग क्या करते हैं, मेरा मेरा मेरा, मैं करके बकरी बन जाते लाइफ में। असिस्ट करो दूसरे को, असिस्ट करो, समझाओ उसको। चैलेंजेस रादर देन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोला, ऐसे मत बोलना मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे बोलना मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस है। अरे यार कल कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ मालूम है? नहीं, कल कितना बड़ा चैलेंज हुआ मालूम है? अरे यार वो इंसान है ना, जब भी मिलता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो इंसान जब भी मिलता है तब चैलेंज क्रिएट करता है। चैलेंज बोलने का, शाम से आज से चुनौती। और जब कोई चुनौती देता है तो क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है। कोई चुनौती देगा, ए आता क्या, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ चलना क्यों नहीं, चैलेंज। हर मेरे लाइफ से मैं बता रहा हूं आपको, हर आपके हर प्रॉब्लम में वो ताकत है, वो कशिश है, वो जज्बा है जो आपको बढ़िया बना सकता है। एक बहुत अच्छा शेर आपको बताता हूं। कभी जिंदगी ने रुलाया है, कभी जिंदगी को सवारा है, जिंदगी को भी सवारना पड़ता है। कभी जिंदगी ने रुलाया है, कभी जिंदगी को सवारा है, कभी आंसुओं ने मिटाया है, कभी आंसुओं ने लिखाया है, आज फिर किसी ने ना कहा, आज फिर दिल को संभाला है, मुझे हादसों ने सजा सजा और हसीन बनाया है, मुझे हादसों ने सजा सजा और हसीन बनाया। तो लाइफ के हादसे आपको बहुत बढ़िया बनाएंगे, बहुत मजबूत बनाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे, बहुत जज्बा मिलेगा, बहुत आपको शौहरत मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा, आप आगे आगे बढ़ते जाओगे अगर आप चैलेंज लेना और एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये तो कुदरत की गिफ्ट है आपको। मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल बीच में आया था, प्रॉब्लम्स थैंक यू ऑलमाइटी, ये भगवान की सबसे बढ़िया गिफ्ट है आपको। आपको भगवान, आप किसी को ऐसे सर्टिफिकेट देते हो क्या, ऐसे सर्टिफिकेट हो गया, पर तेरी उम्र क्या हो गई, बोले ये साल ले ये सर्टिफिकेट, या उसको एग्जाम देनी पड़ती है। तो जिंदगी की जो सर्टिफिकेट है, जिंदगी की सक्सेस जो है, वो भगवान ऐसे ही देगा आपको बिना एग्जाम लिए। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट एग्जाम्स, तो डरना क्या उससे। अच्छा प्रॉब्लम किसको नहीं है, क्या मेरे को आप 10 लोगों के नाम बता सकते हैं जिसको प्रॉब्लम नहीं है? हर एक को प्रॉब्लम है। तो आपके सर पे कोई मुकुट है? बोले इसके सर पे मुकुट है, इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या कुछ पास है आपके ऊपर, आपके आपको कोई पास दिया है ऊपर वाले ने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बोले मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कैसे, ये मेरे पास पास है? हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ पास है इसके पास, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
जिंदगी आगे बढ़ रही है क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज अ स्टेपिंग स्टोन, वो नहीं रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे पत्थर नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? उसके ऊपर तो पैर देके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर कोई मजबूत चीज नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? चैलेंज लाइफ का है। लास्ट पावर ऑफ गिविंग, देना सीखो। हमारे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमको सिर्फ लेना, देना सीखो अपनी औकात से, लेकिन कुछ ना कुछ दो लोगों को। आप जैसे देते हो, और अभी ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है, आप जब देने की भावना है, आप में जब देने की भावना, आप किसी को कुछ देते हो तो वो देने की भावना से आपके बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स, और वो एंडोर्फिन्स है आपकी डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, आप में हौसला, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, ज़िल, ज़ेस्ट सब आ जाता है। देने की भावना, अपने औकात से दो। मैं नहीं बोल रहा हूं औकात के बाहर का दो, लेकिन दो। पब्लिक क्या करता है? मैंने सबको दिया, मेरे को किसी ने नहीं दिया। अरे नहीं देने देना, आठ लोगों ने तेरे को नहीं दिया, लेकिन जो दो लोग तेरे को देंगे ना, वो इतना देंगे, आठ का नहीं 800 का तेरे को देंगे। हर बंदर को प्रणाम करना चाहिए, क्यों? कभी हनुमान भी मिल जाता है। तो पब्लिक बोलता है मैंने इतना किया, किसी ने किया नहीं, छोड़ यार, लेकिन वो करने की वजह से तेरे को दो जो अच्छे लोग मिले, तू उसको पकड़ के रहेगा, तो ये आठ में 800 लोगों का तेरे को फायदा होगा। लेकिन इंसान को देना चाहिए। इंसान क्या करता है? लेने की कोशिश करता है। हाथ ऐसा रखोगे हमेशा प्रॉब्लम बढ़ेंगे। हाथ अपनी औकात से ऐसा रखो, अपने औकात से। अरे किसी को वड़ा पाव खिला सकते कि नहीं आप हफ्ते में एक बार? किसी को 5 रुपए का गरीब आदमी को वड़ा पाव खिला सकते कि नहीं खिला सकते? या किसी को 2 रुपए का पेन दे सकते कि नहीं? 2 रुपए का एक हफ्ते में डिसाइड करो, मैं हर हफ्ते किसी को पेन दूंगा। एक 2 रुपए का एक गरीब विद्यार्थी को पेन दे सकते कि 2 रुपए का? किसी को वड़ा पाव नहीं दे सकते क्या? 5 रुपए का वड़ा पाव आता है, 6 रुपए कितना मालूम नहीं मेरे को, मैं ज्यादा खाता नहीं हूं। आपको जो बोलना आपके औकात से दो। इंसान देता नहीं है। देने की भावना, आप किसी को दो, आप दो उसको। अब उन मांगने को जाते करके तकलीफ होती है, देने को जाओगे ना तुम बिना मांगे मिलेगा आपको। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको, भावना देने की अपनी औकात से। मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूं कि अपने अवकाश से 10 गुना ज्यादा कर्जा लेके दो, नहीं, लेकिन अपने अवकाश से कुछ तो दे सकते हैं, कुछ तो दे सकते हैं। Yes, sir. 1% 1.1% तो दे सकते किसी को, नहीं देते। अरे कुछ चीज देने के छोड़ो, अच्छा बोल तो सकते हैं अपन किसी को। अपने हम लोग अभी इतने कंजूस हो गए, किसी को अच्छा बोलते भी नहीं, और बोलते नहीं करके सुनने की हमारी आदत नहीं है। इसके लिए कोई अच्छा बोलेगा तो अपने को डर लगता है, ये मेरी अच्छाई क्यों कर रहा है? किसी ने बोला है तेरा शर्ट अच्छा, अपने को लगता है फिर पैन गलत है क्या? मतलब अभी अच्छा बोलने की आदत नहीं, अच्छा सुनने की आदत नहीं, सब टेंशन 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 एक दूसरे, कैसे होगा फिर? कैसे मुश्किलें कम होगी? देने की भावना, दानित्व भावना जिसको बोलते हैं। आपको मालूम है कर्ण जो था, कर्ण, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनको स्वर्ग दिया। स्वर्ग इसके लिए दिया क्योंकि भगवान कृष्ण बोले कि इन्होंने जो भी किया हो लेकिन इनमें क्या है? दानित्व है, तो जो दान करेगा उसको तो स्वर्ग मिलना ही है। तो देने की भावना, अपने औकात से दो, अपने औकात से, लेकिन दो, थोड़ा कुछ देना जरूरी है। ओके okay? अभी तो डिस्कशन बहुत बड़ा है, मैं मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। आगे का क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव। ओके, लाइफ में बहुत काम आएगी आपको। हाउ टू रिमेन, छठवां पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, इसके 36 तरीके हैं। 36 है, प्रोडक्टिव कैसे रहना डिफिकल्ट सिचुएशन में, प्रोडक्टिव कैसे रहना। पहला तरीका लिखो, फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम। फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम। दूसरा लिखिए,
फोकस ऑन ड्रीम्स एंड गोल्स, फोकस ऑन ड्रीम्स एंड गोल. ये क्या है? हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. 36 में से 8 तरीके हम देखेंगे फटाफट. कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिव, फोकस ऑन गोल्स एंड ड्रीम्स. तीसरा तरीका, क्रिएट टीम. क्रिएट टीम, टीम को बनाना. हाँ. चौथा तरीका है टेक एक्शंस. ओके. पांचवा है एडॉप्ट न्यू रिसोर्सेस. पांचवा है एडॉप्ट न्यू रिसोर्सेस. सिक्स्थ, स्टे अवे फ्रॉम डीमोरलाइजिंग पीपल. स्टे अवे फ्रॉम डीमोरलाइजिंग पीपल. सातवां तरीका है क्रिएट स्लोगन फॉर लाइफ. क्रिएट स्लोगन फॉर लाइफ. और आठवां तरीका है, 36 में से 8 बता रहा हूं मैं आपको, है 36 तरीके. आठवां तरीका है पे फॉर नॉलेज रादर देन इग्नोरेंस. पे फॉर नॉलेज रादर देन इग्नोरेंस. ओके, बोलो फटाफट, मैं आंसर करता हूं क्या क्या मतलब है उसका. यस, आप जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करो, हमेशा फोकस कहां होना चाहिए आपका? पॉजिटिव. ये सिचुएशन अगर मैं नहीं पूरा करूं तो मेरे को पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा. आप समझे? आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, क्लाइंट डिफिकल्ट है हैंडल करने को, आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? कि ऐसे डिफिकल्ट आदमी को मैं जब तक हैंडल करना नहीं सीखूं, तब तक क्या मैं मेरा गोल अचीव कर पाऊंगा? क्या मैं मेरा पॉजिटिव आउटकम अचीव कर पाऊंगा? नहीं. तो फोकस क्या, मैं इसको क्यों सह रहा हूं? क्योंकि मेरे को पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे आखिर में. जो भी मंदी आती है उसमें संधि बनाओ, वापस सामने आएगा. हाँ, तो उस चीज को आप सहो, क्योंकि आपको आगे का पॉजिटिव मिलेगा. पहली चीज. दूसरी चीज, फोकस ऑन योर गोल एंड ड्रीम. कोई तो सपना होना जरूरी है. बहुत सक्सेसफुल लोग जो सक्सेसफुल हुए उनको कोई सपना होता, कोई गोल होता, कोई सपना होता, और वो सपने के ऊपर बिलीव करते हैं. वो पूरे दिलो जान से बिलीव करते हैं. लोग बोलेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं. वो बोलेंगे अरे तू बोल यार, लेकिन मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, मैं करूंगा. मतलब आप पॉजिटिव भी रहना जरूरी है और फोकस ऑन ड्रीम. आपका जो ड्रीम है, ड्रीम होना. यस, ड्रीम. जो भी आदमी सक्सेसफुल बना ये दुनिया में, वो सक्सेसफुल इसके लिए बना क्योंकि प्रॉब्लम में भी वो ड्रीम. और वो ड्रीम ऐसा रहता है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन को लगता है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. क्या पेट्रोल पंप पे काम करने वाला एक इंसान बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी बना सकता है? Yes. आज लग रहा है क्योंकि बना दी, रिलायंस बना दी धीरूभाई अंबानी साहब ने. लेकिन कितने जन को ये ड्रीम तब अपील हुआ था? कितने जन ये सोच सकते हैं? कितने जन आज सोच सकते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाऊंगा? ड्रीम आपको बहुत लेके जाता है. एक इंसान जिसको ट्रेन में से धक्का मार के उतार दिया, वो इंसान सोच रहा है कि मेरे को जिसने धक्का मारा, जो सिस्टम ने, वो सिस्टम को ही धक्का मारूंगा मैं. कौन बिलीव करेगा? ये एक इंसान ट्रेन से धक्का मार के जिसको गिराया. हम रोज धक्के खाते हैं. बन गए कौन थे? महात्मा गांधी. आज लोग बोलते हैं गांधी जी ऐसे, गांधी जी वैसे. अरे लेकिन उसका 1000 के नोट के ऊपर फोटो है, तेरा तू 4 आने के ऊपर तो फोटो लगाने का सोच. अभी कह को हम लोग वो सोचने का, वो ऐसा था वैसे थे, गांधी ऐसे थे वैसे थे, कह को सोचने का, टाइम पास कर रहे हो. 1000 तुम्हारा फोटो लगाएगा 1000 नोट के ऊपर चलेगा? आज चलता है ना वो?
कैसे सोचने का? आप अपन सोचे 10 पैसे के पीछे जो अभी गया कोई वापरते नहीं उसके पीछे तो अपना फोटो लगावे 2 दिन के लिए तो कोई नहीं। गांधी जी ने ये करना नहीं चाहिए तो तेरे को एक टाइम पर तू क्या करना चाहिए वो करना। वो 1000 रुपए के ऊपर तेरा फोटो है उसका। आपका फोटो किधर है? आपका फोटो का नोट घर वाला भी लेगा क्या आपका? बोले ये पैसा है, बोले इसमें मेरा फोटो है सब। अरे क्यों अपन सोचने का फालतू चीज के ऊपर? तो ड्रीम्स, आपके ड्रीम के ऊपर आप बिलीव करो, दुनिया बिलीव करे या नहीं करे आप बिलीव करना चाहिए बस। आप बिलीव कर रहे हैं तो जरूर होगा, होना ही है उसको। आप ही बिलीव नहीं करते, पब्लिक क्या करता है? यार मेरा ये ड्रीम है, हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई मेरा ये ड्रीम हो सकता है? नहीं हो सकता। छोड़ दे फिर, छोड़ दे, नहीं हो सकता। हाँ वो क्या बोलते हैं, पूछ के ड्रीम डिसाइड करते हैं। बोले ये हो सकता है, बोले हो सकता है, बोले ये हो सकता है, हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं करियर काउंसलिंग को, सर कौन सा करियर अच्छा है? अरे कोई भी करियर अच्छा है यार, कोई भी चीज है जिसका डिमांड है वो अच्छा है। तो कहने का मतलब है ड्रीम रखो। तीसरा, क्रिएट टीम, टीम बनाओ। मैंने आपको क्या बोला, सपोर्टिव रिसोर्स, याद है? सपोर्टिव रिसोर्स, कोर रिसोर्स। जो मेरा कोर रिसोर्स नहीं वो किसी का दूसरे का हो सकता है, जो मेरा सपोर्टिव रिसोर्स नहीं वो किसी का दूसरे का हो सकता है, जो मेरा फाउंडेशन रिसोर्स नहीं किसी का दूसरे का हो सकता है। तो टीम बनाओ। टीम जैसे ही बन गई मिनिमाइज द प्रॉब्लम। बोलते हैं ना एक साथ जब आते हैं चीजें तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीम, अच्छी टीम आप बनाओ तो आपके प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं, हाँ कम हो जाते हैं। चौथा क्या है, टेक एक्शन। एक्शन लेना जरूरी। लोग क्या करते हैं ना, डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया तो पहला काम बंद। बोले पहला काम बंद क्यों? बोले डिफिकल्ट सिचुएशन है, पहला क्या कर देते हैं, काम बंद। गीता में चिल्ला चिल्ला के बताया है और हर रिलीजन में चिल्ला चिल्ला के बताए, कर्मण्येवाधिकारस्य का रस्से, काम करो काम करो काम करो। हम क्या करते हैं ना, हम सब दुनियादारी का सब काम बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं और वो प्रॉब्लम देख के अपने प्रॉब्लम बढ़ा, नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम वो देख के बढ़ेगा। पूरा दिन पहला क्या करते हैं, काम बंद, और हम बहाने ढूंढे काम बंद करने के। बोले क्या हुआ आज, क्यों नहीं? बोले सर आज बहुत बारिश है। बोले आज क्यों नहीं काम करने का, सर आज बिल्कुल बारिश नहीं है। बोले आज क्यों नहीं काम करने का, सर आज ना रोड पे ज्यादा भीड़ है। एक्शन पहला क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो हमेशा डिफिकल्ट, आप जैसे ही एक्शन लेते हो, मेरे को जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है ना, जो डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है उसके सामने में जाके काम करता हूं पहले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उधर पहला जाके काम करने का, पहला जाके वो उधर ही पहला झंडा लगा के आओ तो उसके आसपास के सब भाग जाते हैं। बोले ये बिल्डिंग में ना क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल है सर, किसमें एंट्री नहीं, तो पहला जाके उधर का सेक्रेटरी को ही पकड़ो, पहला उसको ही पकड़ो। बोले ये सबसे डिफिकल्ट है ना, इसके ऊपर ही पहला, सबसे डिफिकल्ट चीज के ऊपर पहला एक्शन लो। एक्शन बंद करने का नहीं, एक्शन बंद कर दिया आप हार गए। आपको बहुत मन करेगा, अरे कल बहुत झापड़ मारा मेरे को पब्लिक ने, बिजनेस में, बिजनेस की झापड़ बोल रहा हूं मैं, बहुत मेरे को, मैं डिप्रेस हो गया, आज लगता है सब बंद कर दू, काम धंधा बंद, सब बंद, सब बंद, ऐसा लगता है आराम से घर में बैठू। पहला एक्शन लेने का, पहला जो डिफिकल्ट है ना उधर वापस खड़े हो जाओ। लोग बड़े इसके लिए बने क्योंकि दुनिया का झापड़ खाके भी जो दूसरे दिन कोट टाई वाई पहन के जो दुनिया के सामने खड़ा रहता है ना, सीखने को दुनिया उसको सलाम करती है और दुनिया उसको वापस झापड़ मारेगी जो झापड़ खाने के बाद बैठ गया घर में। बोले क्यों बैठा है तू, मेरे को बहुत झापड़ मारा दुनिया ने, वापस झापड़ खाने को तैयार हो जाओ। बोले अच्छा ये झापड़ खाई, ओके इससे मैंने क्या सीखा? बोले ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा किया तो ये लफड़ा होता है, ऐसा ऐसा किया तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है चलो वापस नए तरीके से जाओ, वही तरीका मत वापरो। लोग बोलते हैं मैं 10 बार समझाया, गधा है, 10 बार समझने का, समझाने के बाद भी समझाने तो 11वें बार कोई अलग होगा, तो अलग से समझाना फिर।
टेक एक्शन, लोग एक्शन नहीं लेते। मैंने कम से कम नहीं बोला, 4 साल मैं सर के पीछे हूं, सर आप लेक्चर रखो, लेक्चर रखो, लेक्चर रखो, लेक्चर रखो, लेक्चर रखो, पूछो उनसे। आज चौथे साल लेक्चर रखा आपके ऊपर, मैं कितने बार बोला उनको, आपके सब बच्चों को जमा करो, मेरे को एक बार सुनने दो, मैं एक बार जब आता हूं वो अलग है, मैं एक प्रोफेशनल अलग हूं, मेरे को सुनने तो दो। नहीं नहीं नहीं, तो मैं अगर चुप बैठ जाता था, नहीं यार नहीं, बहुत मुश्किल है इनको समझाना, मैं खड़ा रहा वापस, बोले क्यों नहीं सर, वापस वापस वापस, आज आप लेक्चर सुन रहे हो मेरा और आपको अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत जगह पे मैं गया, मैं जाके बोलता था मैं क्या मैं लेक्चर लूं, मैं 200 रुपए में कर दूंगा काम, नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं अगर चुप बैठ जाता था नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता था, मैं वापस दुनिया में खड़ा हो गया। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मेरे में क्या कमी है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नया सीखना चाहिए। 3 महीने का बुकिंग है मेरे लिए, लेकिन जो खड़ा रहता है, एक्शन लेता है, वही आगे बढ़ता। ओके, नेक्स्ट, एडॉप्ट न्यू रिसोर्स, नया तरीका। एक तरीका अगर काम नहीं कर रहा है, अगर मेरे को ये रूम से बाहर जाने का है, मैं यहां गया, यहां पे दीवार है, फिर मैं पीछे आया, फिर मैं यहां पे गया, फिर वापस गया, ये दीवार है, फिर वापस गया, अगर मैं उम्र भर यहां से जाने की कोशिश करूं, बहुत सारे लोग हैं ना दुखी होते हैं, बोले मैंने बहुत कोशिश की, बोले बहुत कोशिश की सर, आपने उस दिन बहुत मेरे को मोटिवेट कर दिया, फिर मैंने सर 4 साल वैसे ही कोशिश की, कुछ नहीं हुआ सर, तो और डिप्रेस हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से, अगर यहां से जाओ नहीं खुल रहा है, तो ये नहीं खुल रहा है, क्या ये खुल रहा है, ये ऐसा नहीं खुल रहा है, पर ये थोड़ा हिल रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था, तो ये थोड़ा हिल रहा है, तो ऐसा नहीं हिल रहा है, तो ऐसा खुलेगा क्या। अलग अलग तरीके से, एक ही तरीके से हम लोग जाएंगे, एक ही तरीके के झापड़ खाएंगे, फिर बोलेंगे देखो कुछ काम नहीं कर रहे, देखो इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता है, कुछ काम करता है, कुछ नहीं काम करता है, आज ही काम नहीं किया तो कल क्या काम करेगा। डोंट ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग, ट्राई टू प्रूव मी राइट, मेरे को गलत साबित करने की कोशिश मत करो कल से, मेरे को सही साबित करने के लिए आपने क्या किया मेरे को बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं काम किया एक चीज। कल परसों मेरे को ऐसा मत बोलना सर आपने वो बता था, वो करने के बाद भी मेरे को झापड़ मारा, ठीक है तो फिर क्या गलत हो गया उसमें, वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेस, अलग अलग वापर के देखो, एक चीज से वो नहीं पट रहा है, कन्विंस नहीं हो रहा है, दूसरा तरीके से समझाओ, तीसरे के तरीके से समझाओ, चौथे तरीके से समझाओ, सब तरीके मिला के समझाओ, बिना किसी तरीके के समझाओ, करो ना डिफरेंट डिफरेंट, आपको और मजबूत करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये समझ में रहना, ध्यान में रखो, कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत रहो जिनका डीमोरलाइजिंग बिहेवियर है। मैंने आपको बताया ना कोई कोई लोग डिफिकल्ट रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने का, पहले आप अभी तक आपके पास स्किल नहीं है तो दूर रहो, यही स्किल है आपका बड़ा। कोई कोई पब्लिक रहता है आपको डीमोरलाइज करे, आप कुछ भी करेंगे ना आप बोले नहीं हो सकता रहते, तो क्या तो, वो अलग था यार, उसने किया फिर वो सुपरमैन था, फिर तेरे क्या है, तेरे को नहीं जमेगा, डीमोरलाइज कर देते कोई कोई पब्लिक। ओके, मतलब वो ऐसा बोलेंगे बेटा तू पास ही नहीं हो सकता, काहे को कोशिश कर रहे हैं, सब ऐसे ही करेंगे क्लाइंट, सब दुनिया ऐसी है भाई। ये डीमोरलाइजिंग लोगों से हमेशा दूर रहने का, तो अगर वो दिखे तो गले बदल दो, मैं तो बोल रहा हूं अभी, गले बदल दो ऐसा पब्लिक से दूर रहने का, जो आपको डीमोरलाइज करे, जो आपको बोले नहीं हो सकता मेरे भाई। हाँ मोरलाइजिंग पब्लिक बोल सकता है ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है वो भी बताता हूं, और कैसे करने का वो भी बताता हूं। 2 दिन पहले हमारी कोई डिस्कशन चल रही थी कैसे आगे बढ़ाए कंपनी को, मैंने बताया ये चीज ऐसे ऐसे करोगे तो फिर नहीं बढ़ सकते, लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। पर ये डीमोरलाइजिंग पब्लिक, मैंने बताया ना डिफिकल्ट पीपल, वो क्या है ना, वो आपका सब मच्छर के माफक चूस लेगा और आपको मलेरिया डेंगू और खुजली। ऐसे डीमोरलाइजिंग आइटम लोगों से बिल्कुल दूर रहने का, बिल्कुल दूर।
आप बोलेंगे सर दूर नहीं रह सकते, एकदम पास ही है, तो कान बंद कर लो या कुछ दूसरी चीज में ध्यान डालो, लेकिन वो आइटम लोग का बिल्कुल मत सुनो और दूर रहो ऐसे लोगों से जो आपको डिमोरलाइज करते हैं। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहना आपको, उनको बोल दो भाई तुम मेरे से तेरा जमता नहीं है, तू दूर रहता मेरे से, सीधा उनको बोल दो मेरे को डिमोरलाइज मत करना, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरे को स्वप्निल सर जैसे अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं डिस्कस कर सकता हूं, तुमको क्या? अच्छा ये लोगों को कुछ मालूम भी नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि वो लोग को बहुत कुछ अकल रहता है, पर ओपिनियन रहता है उनको, बोले ट्रेनिंग करना चाहिए, बोले सब चोर लोग रहते वो, बोले तूने कभी किया है? मैंने भी नहीं किया। हाँ बोले ये करना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं उसका, बेवकूफ लोग करते हैं सर। बोले तूने कभी किया? नहीं नहीं बोले मैंने कभी नहीं किया, ना कभी करूंगा आने वाले 1000 साल में। तो ये ऐसे सब लोगों से दूर रहो, इसका ही बराबर उल्टा आकर व्यवहार करोगे, मोरलाइजिंग पीपल के साथ रहो जितना हो सके उतना, पावरफुल लोगों के साथ रहो, पावरफुल मतलब मॉरली जो आपको पावरफुल बनाए वो। स्लोगन फॉर लाइफ, कुछ स्लोगन बनाओ यार, हर कंपनी अपना प्रोडक्ट का स्लोगन बनाती है, अपुन भगवान के सबसे बड़े प्रोडक्ट है, अपने कोई स्लोगन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं आपका लाइफ का स्लोगन क्या है, स्लोगन क्या देता है? पर्पस देता है, आगे लिखो, पर्पस देता है, पर्पस मकसद देता है, मकसद। जैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बोलते हैं वी आर कमिटेड टू सक्सेस, कमिटेड टू सक्सेस, हम कमिटेड है सक्सेस से, वैसा खुद का स्लोगन बनाओ। क्या स्लोगन है? आप स्लोगन आज रात भर सोचिए, कल सोचिए, परसों सोचिए, अपने जीवन का स्लोगन बनाओ, एक कोई स्लोगन बनाओ। मैं मतलब कौन हूं, मेरा क्या ध्येय है, मैं क्या हूं, मेरा क्या मिशन है, एक स्लोगन बनाइए। तो प्रॉब्लम जब भी आएगा ना आप वो स्लोगन गाने का, मैं हमेशा गाता हूं कमिटेड टू सक्सेस, कमिटेड टू सक्सेस, कमिटेड टू सक्सेस। स्लोगन, इंडिया को आजादी, भारत को आजादी कैसे मिली? सबको स्लोगन बना दिया, वंदे मातरम। तो पब्लिक कितना मारने को आता था, पब्लिक क्या होता, जोर से चिल्लाता वंदे मातरम, तो उसको क्या हो जाता था, स्लोगन की वजह से वापस उसका सॉफ्टवेयर बूट हो जाता था, वापस वो झपड़ खाने के बाद वंदे मातरम बोला तो वापस झपड़ खाने को तैयार। तो देश को आजादी मिल गई। तो अपने को अगर प्रॉब्लम से अगर आजाद होना है तो अपने को भी एक स्लोगन बनाना पड़ेगा जिंदगी में। और जब भी प्रॉब्लम, क्लाइंट जब भी ना बोलने का, मन में बोलने का, अरे कमिटेड टू सक्सेस यार, कमिटेड टू सक्सेस। ऐसे कितने लोग मेरे को मिलेंगे, बट आई एम कमिटेड टू सक्सेस, आई एम कमिटेड टू सक्सेस। कोई भी मिला तो उसको बोलने का कमिटेड टू सक्सेस, बोले मतलब, बोले मेरा स्लोगन है, बोले कमिटेड टू सक्सेस, बोले मेरा स्लोगन है, बोले मतलब क्या होता है, समझो उसको, फिर मतलब क्या है जिंदगी में, एक स्लोगन रखो। पे फॉर नॉलेज रादर देन पेइंग फॉर इग्नोरेंस। हमारे देश का नाम है भारत, भा का मतलब है अभ्यास, रत मतलब जो अभ्यास में रत हो। आज लोग नॉलेज के लिए पेमेंट देने को तैयार नहीं, दे आर पेइंग फॉर इग्नोरेंस। सब तरीके बताएंगे आपको भागने के, बोले पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, देखा नहीं है, सोचा नहीं है, मालूम नहीं है, सब तरीके। हमारा देश सोने की चिड़िया था, अगर हमको सोने का बाज बनना है तो नॉलेज को पैसा देना सीखना पड़ेगा। हम सब फालतू चीज के लिए पैसा देते हैं, हमको बेसिक नॉलेज नहीं, FI और NC का फर्क नहीं मालूम, बेसिक लॉ नहीं मालूम, बेसिक चीजें नहीं मालूम, हम टाइम पास के लिए पैसा, अपना TV, अपना इलेक्ट्रिसिटी, अपना सब कुछ, किसी का तो किसी के साथ शादी हुआ का नहीं, तेरे को क्या लेना देना, तू काय को 200 रुपया खर्चा करता उसके लिए, उसका नहीं हुआ तेरे को क्या लफड़ा, तू तेरे शादी का सोचना, उसके लिए क्या माल मसाला डालना है वो सोचना। हम जाके पूरा 3 घंटा सोच देखते ये कुमार का वो कुमारी के साथ शादी हुआ कि नहीं, नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, तेरा क्या होगा। We are paying for ignorance. जितना हम लोग चटर पटर बाहर खाते हैं उतना एक अच्छा बुक नहीं हेल्थ का है ऊपर खरीद सकते, एक लेक्चर नहीं सुन सकते, एक इंसान को हम लोग सुन नहीं सकते अच्छा पैसा देके। हम सब रीजन दिखेंगे और फिर ऐसे मजबूत, एक एक देखो ऐसे सब मजबूत,
और मजबूर लाइफ से, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं, क्यों दिन भर प्रॉब्लम ही देखते हो लोग। कोई कॉन्फिडेंस वाले आदमी के साथ बात करे तो कॉन्फिडेंस, फिर प्रॉब्लम, आप जाके ऑन करिए, आपको क्या दिखता है, सॉल्यूशन दिखता है नहीं पे, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में रहोगे तो प्रॉब्लम में देखोगे। वी आर पेइंग फॉर नॉलेज या वी आर पेइंग फॉर इग्नोरेंस, वी आर राइट नाउ पेइंग फॉर इग्नोरेंस। और ऐसा नहीं हो सकता कि नॉलेज को नहीं पे कर रहे और इग्नोरेंस को भी नहीं पड़ रहा, नहीं। अगर नॉलेज को नहीं पे कर रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर पेइंग फॉर इग्नोरेंस। लोगों को सिंपल सिंपल चीजें आज मालूम नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें मालूम नहीं है। अरे घर में कटने के बाद क्या लगाना चाहिए मालूम नहीं। परसों एक जगह पे मेरे को किसी ने बोला घर में कटा तो हल्दी के जगह पे मसाला, लाल जो मसाला बोलते वो लगा दिया। मैंने बोला यार तुम भी यार, पोछा दिया ना उसको। मतलब पब्लिक को इतना, अभी कभी वो सोचेगा, कभी वो आयुर्वेद की किताब पढ़ के देखेगा, किसी को पूछेगा तो समझेगा ना उसको। दिन भर आप उन फालतू चीज देखते रहेंगे तो कैसे समझेगा कि कटने के बाद क्या लगाना चाहिए। तो चीजें हो रही है, वी आर पेइंग फॉर इग्नोरेंस। हर दिन आपको पेपर में मिलेगा, इधर पार्टी उधर पार्टी, इधर रेड हुआ उधर पकड़े गए उतना लोग। अरे वी आर पेइंग फॉर इग्नोरेंस। उतना ही पैसा हम नॉलेज में डाले, क्या नुकसान हुआ? आज आप बैठे, आपका कोई लाइफ का नुकसान हुआ? बोले कल शाम को एक आदमी आया था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, पूरे कान की वाट लग गई, बोले उससे अभी इसके आगे कभी लेक्चर नहीं सुनूंगा। क्या नुकसान हुआ आपका? नॉलेज को आप पे कर रहे हैं। अपना देश का नाम ही भारत है, ज्ञान में लित, और हम लोग सब अज्ञान में लित है। अभी कैसे जाएंगे हम आगे, सोचने की बात। तो ये सब चीजें हैं, और अभी एक ही पॉइंट लिखिए लास्ट और खत्म करते हैं हम लोग। लेकिन आपको मजा आ रहा है? yes, समझ में आ रहा है आपको? व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज करें तो उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस? सेवन पॉइंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज किया, मिनिमाइज किया, तो उसके क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं? आप लिख लो और मैं फिर समझाता हूं आने वाले कुछ टाइम में। लिखो, यू कैन एक्वायर न्यू स्किल्स, यू कैन एक्वायर द न्यू स्किल्स, यू विल इवॉल्व एंड ग्रो, यू विल इवॉल्व एंड ग्रो, you will evolve and grow, you will have rich experiences. Tisra point, you will have rich experiences. Chautha point, you will increase the chance of success, you will increase the chance of success, you will have more immunity, immunity, you will have more immunity. And sixth, इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसमें से छह बता रहा हूं आपको। और sixth है, you will have positive emotions, you will have positive emotions. Okay, फटाफट समझा देता हूं, बोलिए एक एक। positive emotions, you will have positive emotions. Bataiye. You can acquire the new skill. Yeah, you acquire new skill. आप किसी problem को manage करने के लिए जब नई चीजें सीखते हो तो आपको भी नए skills, नई चीजें, नई जानकारी, नया knowledge मिलता है। और मैंने इसके लिए बोला था प्रॉब्लम्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स, आपको आगे बढ़ने के लिए काम आता है। क्योंकि आप प्रॉब्लम ही नहीं रहोगे तो आप नई चीज क्यों सीखोगे, मकसद क्या फिर उसका? तो नई चीज आप सीखते हो प्रॉब्लम्स की वजह से। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या है? yes. बच्चा भी चलना क्यों सीखता है? उसको कुछ चीज चाहिए रहती है, वो दूर रहती है, वो खुद लेनी, वो उसको खुद लेनी है, तो उसके लिए मकसद मिलता है। तो मकसद से, तो प्रॉब्लम आपको मकसद देता है।
तो आप जैसे ही उसको मकसद समझ के, चैलेंज समझ के आगे बढ़ते हो, आप में नया नया स्किल आता है. ओके, नेक्स्ट. You will evolve and grow. देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये साइंटिफिकली भी अभी प्रूव हो गया है कि इवोल्यूशन चालू है इंसान का. बंदर से हम इंसान बन गए, इंसान से हम लोग आगे बढ़ेंगे. प्रॉब्लम नहीं होगा तो इवोल्यूशन ही रुक जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम से ही गति मिलती है उत्क्रांति को, इवोल्यूशन को. ओके, और अभी ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि जो लोग लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके जीन्स में, उनके जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो जीन्स ये देखे गए हैं इवॉल्व हो रहे हैं. वो जस्ट नाम बता के रखता हूं आपको, माइक्रो इनसेफेलिन एंड AISP नाम के जीन्स है. कहने का मतलब बहुत सिंपल है आपको यहां पे, कि जो लोग चैलेंज फेस करके आगे बढ़ते हैं, उनके ब्रेन को भी ज्यादा चालना मिलती है. फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये तो बहुत थोड़ा ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं अभी कि ये देखा गया है कि प्रॉब्लम्स की वजह से जो लोग प्रॉब्लम को सही तरीके से देखते हैं, प्रॉब्लम को चैलेंज समझते हैं, उनका ब्रेन एक्टिवेट अच्छा हो जाता है. और ब्रेन अगर एक्टिवेट हो गया अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका ब्रेन में इतनी ताकत है, कंप्यूटर की कैपेसिटी मालूम है ना जीबी में, 160 GB, 250 GB, 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 GB. ब्रेन की कैपेसिटी अभी मालूम है क्या? अभी तक नहीं मालूम. इतनी जीबी है, कितनी कैपेसिटी है खोपड़ी में, इतना चीज है, तो वापरने से इंसान आगे बढ़ता. नेक्स्ट, एक्सपीरियंस. दो तरीके के एक्सपीरियंस है, जस्ट लिखिए, पर्सनल मास्टरी एंड पीपल मास्टरी. दो तरीके की मास्टरी होनी जरूरी है अगर सक्सेसफुल होना है तो. पर्सनल मास्टरी, खुद के ऊपर मास्टरी, एंड पीपल के ऊपर, आपको जिनके साथ चलना है, और लोगों के ऊपर भी मास्टरी होना चाहिए. देखिए, अगर मैं, अगर आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं सिर्फ चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नॉलेज नहीं दे पा रहा हूं, तो आप बैठेंगे, बोले कल बहुत बमबम किया उसने, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात किया, लेकिन कोई समझा तेरे को? बोले मेरे को भी नहीं समझा था, मैं वॉकमैन सुन रहा था पीछे बैठ के. हाँ, और तू क्या कर रहा था? बोले मैं सिर्फ ऐसे आंखों से, मैं बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ. बोले आंखें से सुनने का और आंखें से बीच में सोने का, लेकिन बहुत चिल्लाए ना रहे. हाँ, बहुत चिल्लाए. लेकिन तो पीपल मास्टरी है, लेकिन पर्सनल मास्टरी नहीं. अच्छा, कोई कोई को इतना सब्जेक्ट मालूम रहता है, इतना सब्जेक्ट, लेकिन वो कैसे कन्वे करना, पीपल मास्टरी नहीं, पर्सनल मास्टरी है, वो आएगा ऐसा. ओके, राइट डाउन, मिनिमाइजिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन. एपिस्टेमोलॉजिकली स्पीकिंग, सक्युलेंट अप्रोच विद एक्सक्विजिट सिनर्जीज एसेंशियल फॉर मिटिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. क्या समझेगा? अब ये मास्टर है, एकदम मास्टर है, लेकिन पीपल मास्टर ही नहीं. क्या किसको समझेगा, क्या किसको नहीं समझेगा, ऑडियंस क्या है, समझने का हर एक का कैसा कंडीशनिंग है, कुछ नहीं. ये चालू है, अपना चालू है. इसका दूसरे दिन डिस्कशन कैसे होता है? अरे क्या भारी बोला ना? हाँ भारी बोला. तुम कुछ समझा? बोले कुछ नहीं समझा. बोले प्लेन जाता है ना, उससे भी 2 फुट ऊपर से गया. बहुत जबरदस्त बोला ना, लेकिन बोले आज बहुत जबरदस्त बोला, लेकिन मेरे को कुछ नहीं समझा. तो दोनों में भी कुछ. तो अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो पर्सनल मास्टरी भी होना चाहिए और पीपल मास्टरी. आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो पर्सनल मास्टरी भी होना चाहिए और पीपल मास्टरी. तो एक्सपीरियंस, इसका एक्सपीरियंस डिफिकल्ट सिचुएशन से आता है. डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको पता चलता है, हाँ ये नहीं करने का, ये किया ना पर्सनली तो प्रॉब्लम हो जाता है, ये है ना पीपल के साथ किया तो पीपल झापड़ मारते, तो ये मेरे को करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा डिस्टेंस रखना चाहिए, बोलते समय जोर से बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरे को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरा सलाइवा किसके ऊपर ना गिरे. ये सब धीरे धीरे सीखने को मिलता है. तो पर्सनल मास्टरी एंड पीपल मास्टर. ओके, नेक्स्ट, क्या ये एक्सपीरियंस से मिलता है? ये एक्सपीरियंस, लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस आया, मतलब क्या आया? आइदर पर्सनल मास्टरी और पीपल मास्टरी, या दोनों आना चाहिए. यू विल इंक्रीज चांस ऑफ सक्सेस. अरे पानी भी बह बह के पत्थर को तोड़ देता है, पत्थर और पानी में कौन जीतता है?
हमेशा पानी जीतता, हमेशा पानी जीतता, हमेशा। देखो इसके लिए ब्रूसली है ना, ब्रूसली हमेशा बोलता था कि इंसान को कैसा होना चाहिए, पानी की तरह, वाटर की तरह, किधर भी घुसना चाहिए। आप बिजनेस में भी किधर भी घुसो, किधर बाजू में इंसान जैसा आइटम दिखे चालू कर देने का बोलने को। बोले आपका नाम क्या, बोले ये नाम, मेरा नाम क्या ये, हेलो एक मिनट सर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। बोले मेरे को टाइम नहीं है सर, टाइम किसके पास भी नहीं होता, मैं सर बिजी लोगों से बात करता हूँ, थैंक यू आप बहुत बिजी इंसान है। अरे वो भगा रहे, हम लोग घुस रहे नहीं, बट मेरे को कुछ नहीं चाहिए सर, मैं कुछ नहीं देना चाहता। अच्छा भाव क्या है सर, आपको नहीं लेना है तो कुछ भी भाव नहीं, फोकट में। अरे फोकट वाले तो आ जाते हैं। अरे फोकट में सर नहीं लेना है तो फोकट में लेना है तो पैसा लगेगा। अरे बन क्या, अरे वो तो आप बताने को दो मिनट देंगे तो चालू करूं ना मैं सर, आप पूछना बंद करे तो मैं चालू करूं। अरे बन मेरे को नहीं करना है, पर आप मत करो, सुनो तो सही, सुनने में क्या प्रॉब्लम है आपको, अपने को घुसना है। पब्लिक भगाएगी, पब्लिक भगाएगी क्योंकि इग्नोरेंस बेस है, इग्नोरेंस बेस है, नॉलेज बेस रहेगा तो नहीं भगाएगी, पर नॉलेज देगा कौन, आप देंगे। क्या मैं बाहर खड़ा रह के सोचूं, नहीं सबको समझना चाहिए, मिनिमाइजिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसे कैसे नहीं मालूम, मैंने सोचा तूने कैसे नहीं सोचा, अरे तू क्या एंटीना है, ट्रांसमिशन है। बोले ये चैनल ट्यून कर बराबर, मेरे दिमाग का पता चलेगा, अभी तक उतना टेक्नोलॉजी नहीं गया ना। कहने का मकसद बहुत सिंपल है, आपको चांसेस सक्सेस के बढ़ेंगे, लेकिन घुसो पानी की तरफ, वॉटरिस्ट। आप बोलेंगे आज से आप कौन से ख्याल के ऊपर, बोलते ना लोग आप ये विचार प्रणाली के हो या वो प्रिंसिपल विचार, बोलने का वी आर वॉटरिस्ट। बोले मतलब, बोले सर हम पानी की तरह किधर भी घुस सकते हैं। आप सिर्फ मेरे को रास्ता बताओ, रास्ते की भी जरूरत नहीं, हम ढूंढ लेंगे, क्यों हम पानी है, हम ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। बोले सर क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं मिलता, आप वॉटरिस्ट हो, आर यू वॉटरिस्ट, वॉटर की तरह किधर भी जाओ। मैं करता हूं, बोले ट्रेन पकड़ लेने का सीधा, ये स्टेशन से वो स्टेशन, बाजू में जो भी बैठा उसके साथ बात चालू करो, क्लाइंट कैसे नहीं मिलते। अगर हम बैठे बैठे रहेंगे, सुने सुने रहेंगे तो सूखे सूखे ही रहेंगे। जाओ ना इधर उधर, सिर्फ एक यहां से वहां, वहां से, मैं परसों भी बता रहा था, अपना यही एरिया, बोले ये एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा किसने बोला। जाओ घूमो, अननोन लोगों से बात करो, वाटर की तरह। वाटर का भी बोलता है मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, बोले जिधर जिधर उधर मैं घुसूंगा। सिंपल है, आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आपका बिजनेस कोई गलत बिजनेस है, आप कोई कोई चोरी कर रहे हो, कोई शर्माने की बात है आपको, फिर क्यों ये सब। मैं बिजनेस किसी के साथ भी चालू हो जाता हूं, क्यों, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं सरस्वती का प्रचार कर रहा हूं, क्या गलत है, मैं नॉलेज बांट रहा हूं, क्या गलत है, मैंने आपको यहां तक रुकाया, क्या गलत किया आपके भले के लिए, क्या गलत किया आपको, मैंने अभी इतने घंटे बिठा के बात कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, आपका फायदे का बात कर रहा हूं ना, क्या नुकसान है। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो लोग बैठेंगे, पहले मूड नहीं रहेगा तो लोगों का मूड लेके आओ आप क्यों, फिर आपको क्यों बैठाया उधर, लोग तो ऐसे ही फिर बैठेंगे। आपको एनर्जाइज करना लोगों, उसके लिए पहले खुद एनर्जाइज होना चाहिए, तो आप चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज करते हो। नेक्स्ट, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की इम्यूनिटी है, तो फिजिकल और मेंटल भी। इम्यूनिटी का मतलब है आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी ताकत, आपकी ताकत। अगर आप प्रॉब्लम से डरे नहीं, अगर आप प्रॉब्लम को मिनिमाइज करें, अगर आप नए स्किल सीखे, अगर आप नए चीजों को सुने, जाने, इंप्लीमेंट करें, तो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया रहेगी, एकदम बढ़िया। आपको लोग बोलेंगे क्या यार शान है यार, इसकी बात में दम है यार, कुछ भी बोलो, मजबूत इंसान है यार। अरे लोग जान देते हैं कहने पे, मजबूत इंसान के कहने पे। हम काम नहीं करवा सकते किसी से, सही बात है या नहीं है, हम काम नहीं करवा सकते किसी से क्योंकि हम खुद ही मजबूत नहीं है, खोखले अंदर से।
अगर आप प्रॉब्लम फेस करो तो आपकी इम्यूनिटी, दिस इज रेजिस्टेंस। पहले के जमाने में लोग कितने साल जीते थे, सही बात है या नहीं है? आप पूछो कहीं पे, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, और अभी भी लोग साइंस स्टडी करता है। पहले के जमाने में लोग आराम से, लोग कितने उम्र तक जीते थे, और वो भी मजबूत। आज 35 में किसी को झपड़ मारो तो उठे नहीं कल, सही बात है कि नहीं? ये इम्यूनिटी, ये ताकत आती कहां से? आप पहले के जमाने की जो म्यूजियम में वगैरह कभी चांस मिले तो किसी को पूछ के तलवार को उठाने की कोशिश करो, आपको दो दो तीन दिन हाथ लगेंगे उसको उठाने को। और पहले के लोग ऐसे दो दो लेके घूमते थे, सही बात है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं वो दो दो उठा के लोग वो भी जाके वहां पे खड़े रहते थे दिन भर, अपने को उधर इधर से उधर उठाने को, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, ये लगाओ वो लगाओ, दर्द हो रहा है ये खाओ वो खाओ, दुनिया भर के तो प्रॉब्लम्स है हमें। तो अब जैसे प्रॉब्लम को फेस करते हो आपको ताकत आ जाती है, उसमें आपको पावर आ जाती है। मैं कभी से बात कर रहा हूं, मेरी एनर्जी लेवल वही है कि नहीं? वही है या वही है पहले जो चालू किया, या धीरे धीरे? पब्लिक कैसा होता है, धीरे 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 लास्ट में अभी अभी हम लोग पावर हाँ एनर्जी आपकी बढ़ती है। ये आती कहां से? प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके, वो प्रॉब्लम आपको एनर्जी छोड़ता है, वो जब खत्म होता है आपको एनर्जी देता है, ले ले ले, मैं तो तेरे को हरा नहीं पाया तो मैं हार गया, तो ले ले। मजबूत। और देखो वो करने के बाद मैंने कितने लेक्चर दे रहा हूं, मैं कंटिन्यूअस लेक्चर चालू है मेरे, कंटिन्यूअस, इट्स अचीवेबल, आराम से आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको भी मैं ऐसा नहीं कुछ बोल रहा हूं, मैं कर सकता हूं, आप तो मेरे से बढ़िया कर सकोगे, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, यू विल हैव पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन, जिल, जेस्ट, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है बाबा। लोगों को बोलो पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए वो मालूम नहीं बोले, अभी टाइम नहीं है तो मैं पूरा आपको नेगेटिव इमोशन भी लिखा देता, पॉजिटिव इमोशन भी लिखा देता, और बोलता ये नहीं करने का ये करने का। पॉजिटिव रहना चाहिए, मेरा मतलब क्या करना चाहिए, पॉजिटिव मतलब क्या, ऐसा पॉजिटिव 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 बोले ये कर रहा हूं, बोले मतलब क्या नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना मतलब पॉजिटिव इमोशन रखना, कॉन्फिडेंट रखना, सेंस ऑफ ह्यूमर रखना, जिलफुल रहना, जेस्टफुल रहना, होप रखना, मर्सी रखना, वेलनेस रखना, फॉरगिवनेस रखना, ये सब पॉजिटिव इमोशन। 20 पॉजिटिव इमोशंस है और 20 नेगेटिव इमोशन है। हमको नेगेटिव इमोशन सब मालूम रहते हैं, क्यों? दिन भर हम वही देखते, दुखी आत्मा सब वो देख देख के हमारी आत्मा भी दुखी होगी। पॉजिटिव सोचो मतलब क्या करने का, किसी को बोले पॉजिटिव सोचने का मतलब क्या करने का, रोड पे चलना नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऐसे कैसे पॉजिटिव सोचना, बीच में जाके खड़ा रहने का, ऐसा पॉजिटिव सोचना है? नहीं, ये लोगों की ये प्रॉब्लम है, लोगों को पॉजिटिव सोचना ही नहीं मालूम। पॉजिटिव सोचना मतलब पॉजिटिव इमोशन में रहना, या पॉजिटिव इमोशन से सोचना किसी चीज के ऊपर। पॉजिटिव सोचना मतलब वो ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन के बीच में खड़ा रहेगा तो मरेगा, अरे कैसे कैसे पॉजिटिव सोचने का, मैं खड़ा रहूंगा ट्रेन रुकेगी क्यों, बोले नहीं ऐसे रुकेगी लगता है पॉजिटिव, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये तो बेवकूफी होगी। पॉजिटिव रहना मतलब पॉजिटिव स्टेट ऑफ इमोशन से चीज को देखना। कंफ्यूजन है लोगों में, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना मतलब क्या, जो चीज नुकसानदायक है उसमें पॉजिटिव रहना, बोले ये क्या है जहर है, बोले ये पिएगा तो मरेगा, अरे ऐसे कैसे मरेगा, पॉजिटिव सोचने का, सर ने बोला था ना, फिर ये पी तू, कुछ नहीं होएगा, कुछ होएगा तो कल के एड़े को पकड़ेंगे अपन, पी 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 बिंदास पी, सोडियम साइनाइड है, पी कर कुछ नहीं होगा, मां की कसम तेरे। अरे इसको पॉजिटिव रहना नहीं बोलते, पॉजिटिव रहना मतलब पॉजिटिव स्टेट ऑफ इमोशन में रहना और एक चीज के ऊपर सोचना। नेगेटिव सोचना मतलब नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन में रहना और सोचना। एक प्रॉब्लम है तो उसमें नेगेटिव सोचना मतलब नेगेटिव इमोशन से सोचना, अरे यार ये प्रॉब्लम से मैं दुखी हो जाऊंगा, और पॉजिटिव इमोशन से सोचना मतलब ये प्रॉब्लम से मैं और बढ़िया, हादसों ने सजा सजा मुझे और हसीन बना, ये होगी पॉजिटिव इमोशन।
खड़ा रहना ट्रेन, लोग मेरे को वही पूछते सर मतलब ट्रेन के सामने खड़ा रहेंगे तो, अरे ट्रेन के सामने खड़ा रहेगा तो कौन मजबूत है, तू या ट्रेन? ट्रेन फिर वो रहेगी, तू नहीं रहेगा, सिंपल है, तू मजबूत रहेगा तो तू रहेगा, ट्रेन नहीं रहेगी, कौन मजबूत है उसमें? आप समझ रहे ना, कौन मजबूत है? वो भी मॉरली कौन मजबूत है? अगर कोई बहुत बड़ा लीडर सुभाष चंद्र बोस खड़े रहते तो उसको भी रोकना ही है, क्यों सुभाष चंद्र बोस सामने खड़े, सावरकर जैसे महात्मा खड़े हुए तो फिर रोकना ही है उसको, तो आप में उतनी ताकत होनी चाहिए फिर आपके व्यक्तित्व में कि आप खड़े रहे और वो रुक जाए फिर आपके लिए, नहीं है तो फिर वो मजबूत है आपसे, सिंपल है। तो पहली चीज है, ये लोग बोलते पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव इमोशन, पहले पॉजिटिव इमोशन से चीज के ऊपर सोचना, और पॉजिटिव इमोशन सोचना मतलब ट्रेन के सामने खड़ा रहो, ब्रिज के नीचे वो जंप मारो, ये दिस इज नॉट पॉजिटिव सोचना, ये बेवकूफी भरा सोचना है। पॉजिटिव सोचना मतलब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से सोचना, स्टेट से अलग अलग, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, अब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एक चीज को देखने के तरीके, लोग नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं, नेगेटिव होता है, अब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से रहो, आपको प्रॉब्लम कोई दिखाई नहीं देता, मेरे को लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता, प्रॉब्लम में भी मैं बोलता हूँ चलो काम होना चाहिए। आज मैं आ रहा था नाइक साहब के पीछे, एक मेरे साथ और दो बड़े कंपनी के लोग आने वाले थे, नहीं है मैंने अरेंज किया, मैं काम कर रहा हूँ मेरा नाइक साहब, मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से मैंने काम किया, या मैं उधर ही रह गया? बोले वो नहीं अरेंज हो पाया, ये नहीं हो पाया, गाड़ी नहीं अरेंज हो पाया। अरे नहीं ठीक है, वो हो गया ना अभी, अभी तू किसके लिए आया है? तू गाड़ी के लिए आया इधर या तू लोगों को समझाने के लिए आया कोई अच्छी चीज? बोले समझाने, फिर वो काम कर अभी, ज्यादा टंटन नहीं करना, काम करो, तू काम बराबर करेगा नेक्स्ट टाइम गाड़ी ने घोड़ा भी आएगा तेरे लिए, तो काम करना चाहिए, तो उधर ही रहेगा तो ये हुई पॉजिटिव स्टेट ऑफ इमोशन, समझे मेरी बात क्या है? तो पॉजिटिव सोचना मतलब पॉजिटिव स्टेट से सोचना, नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्टेट से सोचना, वो इमोशन से, कभी हम लोग किसी बाकी के लेक्चर में सुनेंगे। ओके, तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की कि क्या हो सकता और आप लाइफ में प्रॉब्लम मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। ओके, लेकिन आपने सबने ये बैठा सुना ने मेरे को सपोर्ट दिया, मैं आपके लिए भी ताली बजाता हूं। बहुत बढ़िया, और ऐसे ही रही है, आगे बढ़ी है, और मैं आपको बताता हूं आप सबके लिए ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया कहानी लिखी है। सब आप जितना आज अचीव कर रहे हो आपके पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में, उससे हजार गुना अचीव कर सकते, मैं बोल रहा हूँ हजार गुना, आपको इतना ऊपर वाले ने ताकत दिया हुआ है, मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपको इतना नेचर ने ताकत दिया हुआ है, आप जो है उससे आज हजार गुना बोल रहा हूँ मैं आप हासिल कर सकता। ओनली थिंग इज क्या आपको रियलाइज है आप कौन है? लोगों को हम रियलाइज ही नहीं होते, कौन है हम, कौन है हमारा मकसद क्या, हम क्यों आए यहाँ पे? अब जिस दिन आप रियलाइज करो, आपका स्लोगन बनाओ, तो प्रॉब्लम्स आपसे भाग जाएंगे। आज आपको रुकना पड़ रहा है, कल प्रॉब्लम आपके लिए रुकेगा, बोलेगा ये बहुत बड़ा आदमी भाई, इसको जाने दो, ये जाने के बाद दुनिया को सताऊंगा मैं। बोले ये मजबूत आदमी, तो प्रॉब्लम आपसे डरेगा। अगर आप खुद से नहीं डरोगे, इंसान खुद से ही डरा हुआ है, ध्यान में रखें, ठीक है? आपने इतना सुना मुझे, मैं आपको वापस धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।